वेलकम बैक टू DICS। आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है और आज है 1 जनवरी। तो सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू, आई विश यू वेरी गुड लक। और जो नेक्स्ट अपकमिंग प्रिलिमिनरी है उसमें आप सभी को सक्सेस मिले, नेक्स्ट अपकमिंग जो मेंस है उसमें भी सक्सेस मिले। सो ऑल एंड ऑल आई एम विशिंग अबाउट योर सक्सेस, सो आपको भी मेरी सक्सेस के बारे में विश करना होगा। सो इट शुड बी टू वे। एनीवे तो चालू करते हैं हमारा आज का संडे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पेज। आज का जो संडे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पेज है उसमें कुछ खास न्यूज थी नहीं, एक दो छुटमुट न्यूज है उसके बारे में हम बात करेंगे और फिर हमारा आज का सेशन खत्म करेंगे। तो फिर आप भी फ्री और मैं भी फ्री। देख लीजिए क्या है आज के साइंस में। तो एक कुछ ओमिक्रोन बेस्ड बूस्टर के बारे में बात करते हैं, कोई माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात है, राइट, फिर ककड़ी बकड़ी के बारे में बात है। चलिए एक के बाद एक देखते हैं। सबसे पहला जो है इट इज अबाउट सूनर और लेटर इंडिया हैज टू डेवलप ओमिक्रॉन बेस्ड बूस्टर्स। क्यों ऐसा है? बिकॉज फिलहाल चाइना में क्या हो रहा है कि चाइना में जो रैपिडली COVID-19 बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, तो चाइना में ये दिक्कत की वजह से लोग ऐसा भी बोल रहे हैं कि इंडिया में भी ये सेम परकोलेट हो सकता है। सो दैट्स वाई इंडिया हैज टू बी केयरफुल और ओमिक्रॉन के जितने भी अलग अलग वेरियंट है सभी की हमें वैक्सीन बना लेनी चाहिए, राइट? क्यों नहीं, कल को ओमिक्रॉन 10,000 अलग अलग प्रकार के खुद के वेरिएंट बना लेते, हमें उतनी वैक्सीन बनानी चाहिए, राइट? अपन अपने पास और तो काम ही क्या है। बट द पॉइंट इज कि जो चाइना है, चाइना में फिलहाल इतनी ज्यादा डेथ हो रही है कि जितने क्रिमेटोरियम्स है उन सभी जगह पे स्मगलिंग हो रही है बॉडी की, क्योंकि बॉडी का इन्फ्लक्स बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जो भी हॉस्पिटल्स वगैरह है वो भी अभी पैक से पैक जा रही है। जो एक टाइम पे हमारा सेकेंड वेव, इंडिया में जो कोविड का सेकेंड वेव आया था, उस प्रकार की सिचुएशन वहां पे हर रोज हो रही है पिछले काफी टाइम से। सो दैट्स वाई वी नीड टू केयरफुल अबाउट इट। सो ऐसा कहा जाता है कि नाउ इंडिया को ओमिक्रॉन बेस्ड जितने भी छोटे छोटे वेरिएंट्स आ रहे हैं उसके बूस्टर डोज बना लेने चाहिए ताकि हमारे ऊपर ऐसी सेम सिचुएशन वापस ना आ जाए। बाकी कोई भी चीज है नहीं इसमें, राइट? तो ये जो पूरा पेज है वो हमारे लिए बिल्कुल काम का है नहीं। अब जो दूसरा पेज है वो भी उतना ज्यादा काम का नहीं है। इसमें ऐसा बोला गया है कि जो ये कुकुम्बर की फैमिली है जिसके अंदर ये मेलन वगैरह भी आ जाते हैं, गॉर्ड वगैरह भी आ जाती है, ये सारे न्यूट्रिशन के बारे में अगर हम बात करें तो दे आर वेरी मच रिच एज फार एज द न्यूट्रिशंस आर कंसर्न। अब उसमें कौन से न्यूट्रिएंट होते हैं? तो मेजरली जो बोला गया है कि ये जो बिटर गॉर्ड है दे आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी। अब ये जो विटामिन सी और मिनरल्स उसके अंदर होते हैं, अगर हमने डेली 100 ग्राम का सिर्फ उसका इंटेक किया तो दिन में हमें जितनी भी जरूरत होती है विटामिन सी की वो पूरी पूरी यहाँ से फुलफिल हो सकती है, और विटामिन ए की हाफ ऑफ दी नीड यहाँ से फुलफिल हो सकती है, तो हमें 200 ग्राम खा लेना चाहिए, राइट? और प्लस इसमें क्या होता है कि ये जो गॉर्ड बनता है उसमें वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, तो 85 से 90% जितना तो वाटर कंटेंट होता है, तो उसकी वजह से वो हमें लो कैलोरी बल्क सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन यहाँ से मिल सकता है, राइट? तो जो प्रोसेस फूड होता है उसमें हाई फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं, बट उसके सामने यहाँ पे हाई मिनरल्स एंड विटामिन्स रहते हैं। सामने जो भी हमारी फैट है वो बहुत ही ज्यादा कम होगी, तो हमारे जो फूड इंटेक में हमें सैलेड वगैरह भी लेना चालू कर देना चाहिए, ऐसा ये डी बालासुब्रमण्यम का कहना है, राइट? और ये जो कुकुम्बर है वो सालों से हमारे आसपास है, इवन बिफोर पोटैटो। सो ये जो पुराना है तो हमें उसके साथ ही चलते रहना चाहिए और इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया को लेके कुछ एक न्यूज है कि फर्स्ट माइटोकॉन्ड्रियल ट्रांसप्लांट इन सिक्स चिल्ड्रन शोज सम काइंड ऑफ अ प्रॉमिस। तो यहाँ पे हमें हाफ सक्सेस मिली हो ऐसा हमें लगता है। तो सबसे पहले देखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया है क्या। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज सम काइंड ऑफ सेल जो जनरली क्या करता है कि वो हमारे बॉडी के अंदर मोस्ट ऑफ द केमिकल एनर्जी जो जरूरत होती है उसको प्रॉपरली जनरेट करता है। अब ये जनरेट करने के बाद ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये सारी सारी केमिकल एनर्जी कहाँ पे स्टोर करता है? तो वो स्टोर करता है एटीपी में। कहाँ पे स्टोर करता है? एटीएम में नहीं, एटीपी में। और एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या फुल फॉर्म है इसका? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इसके अंदर ये स्टोर करता है। नाउ ये जो माइटोकॉन्ड्रियल डिफेक्ट थी वो किस वजह से हो रही थी? तो ये जो डिफेक्ट थी वो सर्टेनली क्या हो रहा था कि बॉडी के अंदर जब ये फीटस पूरा शेप ले रहा है तो उस टाइम पे उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ डिफेक्ट आ रही है, उसके अंदर के कुछ जीन जो है वो डिलीट हो रहे थे। तो अब उन्होंने, ये साइंटिस्ट ने क्या किया कि
जो हमारे स्टेम सेल्स है, वो जो बेबी के स्टेम सेल होंगे उसकी उसके साथ ये जो डोनर माइटोकॉन्ड्रिया के सेल्स है उसको अटैच करती है। जब ये अटैच हो जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा कि जो भी डिफेक्ट है वो सारी यहाँ से सॉल्व हो जाएगी। और सॉल्व होने के साथ साथ अब ऐसा लग रहा है कि ये जो बच्चे जिनके ऊपर ये ट्रांसप्लांट किया गया, दे आर स्पेंडिंग मोर टाइम अवेक एंड मोर टाइम इन प्ले कंपेयर टू दी अर्लियर टाइम, जब वो मोस्ट ऑफ द टाइम सीख रहा करते थे और सोते रहते थे। तो इस प्रकार का एक न्यूज है। फिर दूसरा जो न्यूज है वो है लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर के बारे में। लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर के बारे में आपने पता होगा, फिजिक्स अगर आपको थोड़ा कुछ इंटरेस्ट देता है तो उसी फिजिक्स के लिए ये हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि हमें यहाँ से कुछ गॉड पार्टिकल के बारे में भी पता चला था, राइट? सालों के पहले वो 2014 में बहुत ज्यादा न्यूज में था। तो वहां पे जो किया गया एक एक्सपेरिमेंट है, वहां पे हमें नसीब से कुछ कुछ फाइंडिंग्स मिले हैं। एक्चुअली हमारा जो फाइंडिंग था वो वही पर्पस के लिए नहीं था, बट नसीब से कुछ मिला है। उसमें ऐसा कहा गया है कि सर्टनली सम मैसिव पार्टिकल डिकेज आर हैपनिंग इन इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर्स। अभी जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिवली चार्ज पे होता है, जो एक मॉलिक्यूल के अंदर होता है, और उसके सामने जो पॉजिट्रॉन है, पॉजिट्रॉन क्या होता है? सो पॉजिट्रॉन इज एंटी मैटर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और आपको पता होगा कि जब भी ये मैटर और एंटी मैटर मिक्स होता है तो फिर क्या बनता है? नथिंग हो जाता है, इट बिकम्स एब्सोल्युटली नथिंग। तो ये जो नथिंगनेस वाली चीज है, तो ये इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन वाले जितने भी सेल वगैरह है या जितने भी मटेरियल है वहां पे बहुत ही ज्यादा डीके देखा गया कंपेयर टू मुओन एंड एंटी मुओन। अब ये मुओन एंटी मुओन भी क्या है? तो इट इज जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन, बट उनका जो मास है वो इलेक्ट्रॉन से कहीं ज्यादा है, बट उनकी भी ओरिएंटेशन कैसा है? उनका भी नेगेटिवली आयन है, राइट? तो ऐसा कहा गया है कि ये जो सन में उन्होंने जो ये सारे एक्सपेरिमेंट वगैरह किए, सो उसकी वजह से ये हमें पता चला है, एंड दैट टू बाय लक। उसमें कुछ हमें बहुत ही बड़ा कुछ किया नहीं है। फिर वही वैक्सीन के बारे में वही न्यूज़ है कि जो वैक्सीन है, वैक्सीन का रेटिंग है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता जा रहा है। हमारा जो डेली वैक्सीनेशन ड्राइव है वो स्लो होता जा रहा है। रीज़न क्या है? तो एक तो लोगों को सेफ्टी कंसर्न हो रहे हैं, गवर्नमेंट के ऊपर मिस्ट्रस्ट होता जा रहा है, एंड देन उसके साथ साथ जो भी पॉलिटिसाइज्ड ऑफ वैक्सीनेशन हुआ, स्पेशली कोई कोई जो स्पोर्ट्स पर्सन थे उन्होंने बोला कि भाई माई बॉडी माई राइट, राइट, मेरे को क्यों ऐसा वैक्सीन लेनी चाहिए, कोई बोले मैं क्यों वैक्सीन ले लूँ, मेरी बॉडी के ऊपर मेरे राइट होने चाहिए। तो वो सारी नॉनसेंस चीज़ों की वजह से हमारा जितना भी ये पेंडेमिक ने चीज़ें बिगाड़ी है उससे टोटल जो वैक्सीन की ड्राइव है वो रेट सडनली फॉल होता ही जा रहा है। तो ये पब्लिक हेल्थ का एक कंसर्न है, तो हम इसको काउंटर करने की जरूरत है कि कैसे हम ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस फैलाए, लोगों को ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन का एक्सेस दे, एंड भविष्य में होने वाले जितनी भी तकलीफ है उसके सामने हम एक साथ मिलकर फाइट करें, ताकि हमारा जो ये मोर्टेलिटी रेट है वो कम होता जाए एंड ह्यूमन काइंड पीसफुली जी सके। सो दैट बीइंग सेड, पीसफुली हमारा आज का सेशन भी यहाँ पे खत्म होता है। आई होप आपको ये मजा आया होगा, राइट? प्लीज लाइक दिस वीडियो, स्प्रेड द वर्ड एंड हेल्प अस इन क्रिएटिंग मोर एंड मोर कॉन्टेंट फॉर यू, सो दैट इट कैन बी हेल्प और इट विल बी हेल्प इन द प्रिलिमिनरी एज वेल एज मेन्स एग्जामिनेशन ऑफ यूपीएससी 2023। सो दैट बीइंग सेड, थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम। वेलकम बैक जनता, वेलकम टू DICS, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज पेश करता हूँ मैं 8 तारीख के संडे साइंस एंड टेक्नोलॉजी पेज को, राइट? संडे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पेज कुछ इस तरह से दिखता है, उसको ध्यान से एक बार देख लीजिए, फिर वी विल डाइव इनटू सर्टेन पर्टिकुलर न्यूज। अब उसमें कुछ आज खास न्यूज थी नहीं, राइट? एक दो इंपॉर्टेंट हमारे लिए न्यूज थी, बाकी तो वही वही किसी भी चीजें थी जो हमारे प्रिलिम और मेंस के लिए बिल्कुल काम की नहीं है। तो आज का वीडियो काफी शॉर्ट रहेगा, तो हमारे साथ रहिए। तो सबसे पहला जो हमारा आज का करंट अफेयर है, इट इज अबाउट पिक्चर दैट हैज बीन क्लियर हाउ मर्क्यूरी हैज बिकम अ सुपर कंडक्टर। नाउ सुपर कंडक्टर क्या होता है? तो ये विद्युत वाहक होता है, तो वो विद्युत को विदाउट एनी रेजिस्टेंस अच्छे से एक जगह से दूसरी जगह पे हमें ले जाने में मदद करता है, उसको हम क्या कहते हैं? सुपर कंडक्टर कहते हैं। नॉर्मली जो विद्युत के वाहक होते हैं वो कंडक्टर होते हैं, बट जिसमें बिल्कुल ही रेजिस्टेंस ना हो तो उसको कहते हैं हम सुपर कंडक्टर। नाउ ऐसा आपको पता होगा कि जो मर्क्यूरी है वो नॉर्मली 25 डिग्री रूम सेल्सियस पे वो कौन से फॉर्म में रहता है? वो लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो अगर उसको सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो हमें टेम्परेचर को और गिराना पड़ेगा, तब जाके मर्क्यूरी जो मेटल है एज सच वो हमें सॉलिड फॉर्म में मिलेगा। तो यहाँ पे जो डच फिजिसिस्ट है उन्होंने क्या किया, तो
एक टाइम पे 1911 में उन्होंने टेम्परेचर उतना रिड्यूस कर दिया तो मर्क्यूरी सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, और सॉलिड में कन्वर्ट होने के बाद उसमें से इलेक्ट्रिसिटी हमने पास करी, और इलेक्ट्रिसिटी जब हमने पास करी तो तब जाके उन्होंने ऐसा फील किया कि देर हैज बीन नो रेजिस्टेंस व्हाट्सोएवर इन इलेक्ट्रिक करंट, राइट। अब ये जो पूरी थ्योरी है उसका नाम है BCS थ्योरी। कौन सी थ्योरी? BCS थ्योरी। तो शायद ट्रिवियल क्वेश्चन में ऐसा कुछ आ जाए कि बर्डीन कोपर श्राइफर थ्योरी किसके साथ रिलेटेड है, तो इट इज अबाउट सुपर कंडक्टिविटी ऑफ मर्क्यूरी। तो ये हमें ध्यान में रखना है, बट आई डोंट थिंक सो ऐसा कोई क्वेश्चन पूछेंगे। ऐसे ऊट पटांग अगर क्वेश्चन पूछ भी लिए ना तो भाई यूपीएससी का कोई भरोसा नहीं, राइट। तो ये एक हमारा करंट अफेयर था। उसके बाद जो दूसरा करंट अफेयर आता है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वाटर पॉल्यूशन के बारे में बात करता है। किसके बारे में? वाटर पॉल्यूशन के बारे में। अब वाटर पॉल्यूशन को डील करने के लिए पुणे के टीम ने कुछ एक नया मटेरियल बनाया है, और वो मटेरियल का नाम क्या दिया गया? IVOFM नाम दिया गया है। क्या है? तो एक देखते हैं। तो सबसे पहले न्यूज के अंदर वो ऐसा बोलते हैं कि एज सच एक्सेस टू क्लीन वाटर एंड ड्रिंकेबल वाटर इट्स काइंड ऑफ अ वरी राइट नाउ, एंड स्पेशली सिंस दी क्लाइमेट चेंज इज हैपनिंग, द सीजन आर वेरिंग, रेनफॉल पैटर्न आर डिस्टर्बिंग। उन सभी की वजह से हमारे पास जो पीने लायक पानी है, ड्रिंकिंग वाटर है, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और उसमें गवर्नमेंट ने अभी एक मिशन लॉन्च किया है, उसका नाम है जल जीवन मिशन, या तो फिर दूसरा है हर घर नल। और नल से पानी जो है उसमें गवर्नमेंट ने 2024 में एक टारगेट रखा है कि एवरी पर्सन पर ईयर पर पर्सन हम कितना पानी अवेल करेंगे, 55 लीटर पानी को अवेलेबल करने का ट्राई करेंगे। और WMO का कहना ऐसा है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का कहना ऐसा है कि अगर एक बंदे को सेफली अगर पानी पीना है, या तो फिर अच्छे से अपने न्यूट्रिएंट को मेंटेन करना है, अपनी हेल्थ और लाइफस्टाइल को अच्छा रखना है, तो ही नीड्स और शी नीड्स 60 लीटर पर डे पर ईयर, राइट। तो ये जो थ्रेशोल्ड है WMO का, वो थ्रेशोल्ड है 60 लीटर, बट यहाँ पे गवर्नमेंट कितना प्रॉमिस कर रही है? 55 लीटर ओनली। तो ये हमारे लिए थोड़ा सा वरीसम है कि इवन दो हमारा जो मिनिमम थ्रेशोल्ड है उससे भी नीचे हम अभी तो प्रॉमिस कर रहे हैं। तो समझ लीजिए कि आज की रियलिटी तो क्या ही होगी, राइट। रियलिटी तो शायद ऐसा हो जाए कि पर पर्सन हमें 40 लीटर या 30 लीटर ही पानी मिलता हो, बट सामने देखते हैं 2024 तक जल जीवन मिशन का क्या हाल होता है। सो वी विल सी, वेट एंड वॉच। तो अब काफी ज्यादा हमारी जो रिवर्स है, रिवर अभी पॉल्यूटिंग होती जा रही है। आपको पता होगा कि जो अभी फिलहाल यमुना में बहुत ही ज्यादा पॉल्यूशन है, और यमुना का जो केस स्टडी है उसको कहा जाता है फ्रॉथिंग ऑफ यमुना। क्या कहा जाता है? फ्रॉथिंग ऑफ यमुना। मुझे पता है सभी ने फ्रॉथिंग वर्ड तो सुना ही होगा, स्पेशली इन कॉफी। आप कॉफी पीने जाते ही होंगे, कभी कभी अकेले, कभी किसी के साथ, राइट। अरे गलत बोल दिया ना, किसी के साथ, चले कोई बात नहीं। नाउ यहाँ पे हम बात कर रहे थे यमुना के फ्रॉथिंग के बारे में, सो प्लीज रीड अबाउट इट कि यमुना का फ्रॉथिंग क्यों होता है, और वो क्यों स्पेशली विंटर के टाइम पे ही होता है। तो विंटर के टाइम पे फ्रॉथिंग होने का कोई स्पेशल रीजन है क्या? सो प्लीज रीड अबाउट इट। अगर आपको पता है तो कमेंट डाउन, अगर आपको नहीं पता है तो आस्क अस द क्वेश्चन एंड आई विल रिप्लाई बिलो योर कमेंट, सो डोंट वरी अबाउट इट, राइट। तो जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च है उसने एक स्पॉन्ज लाइक चीज क्रिएट करी है। क्या उन्होंने प्रिपेयर किया? स्पॉन्ज लाइक चीज प्रिपेयर करी है ताकि वो जितने भी पॉल्यूटेंट हो उस सभी को सोक अप कर ले और इन सभी को एब्जॉर्ब कर ले। जनरली जो ये टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड होता है वो किससे डिपेंड होता है? तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रोसेस से डिपेंड होता है। किससे? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रोसेस से। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रोसेस में क्या होता है कि वहां पे आयन एक्सचेंज होता है। एक होता है हमारा पॉजिटिव आयन, दूसरा होता है नेगेटिव। तो जितने भी पॉजिटिवली चार्ज हैं वो सारे नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, और नेगेटिवली चार्ज है वो सारे पॉजिटिव की तरह अट्रैक्ट हो जाएंगे, बट इसकी एफिशिएंसी उतनी ज्यादा है नहीं। तो उसको काउंटर करने के लिए ये जो IVOFM करके जो उन्होंने एक नया सा इंजीनियर्ड मटेरियल प्रिपेयर किया है, उसमें उन्होंने दो चीजों का अमालगमेशन कर दिया। एक अमालगमेशन उन्होंने कर दिया कि एक तो उसके अंदर हम यूज करेंगे यही इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटर वाली टेक्नोलॉजी जो आयन एक्सचेंज ड्रिवन होती है, और दूसरा उन्होंने कर दिया कि उन्होंने नैनोमीटर साइज्ड माइक्रोपोर्स उसके अंदर बना दिए हैं, और वो भी ऐसा है कि वो पर्टिकुलर साइज के ऊपर और पर्टिकुलर नंबर के ऊपर वो फोकस करेंगे। तो यहाँ पे भी साइज मैटर्स। सो पर्टिकुलर साइज के लिए उन्होंने ऐसा कुछ बनाया है ताकि जो भी हमारे पॉल्यूटेंट है वो इजिली सकअप हो जाए और
फिर वो बाहर निकल के वापस पानी में ना मिक्सअप हो जाए। तो इस प्रकार का एक उन्होंने डिवाइस बनाया है, एक प्रकार का मटेरियल क्रिएट किया है। तो लेट अस सी कि अब उसकी प्रैक्टिकल वैल्यूज कैसी होती है, क्योंकि फिलहाल तो ये सारा लैब टेस्टेड होता है, या तो फिर एक छोटा सा कोई उन्होंने सैंपल सर्वे किया हो, सैंपल एक्सपेरिमेंट किया हो, तो उसमें तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिखाता है, बट वी नीड टू सी कि वो रियल लाइफ में किस हिसाब से रिजल्ट देता है। तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर था। उसके बाद का जो करंट अफेयर है, इट इज अबाउट फ्लोटिंग सोलर पावर। अब ये जितने सोलर पावर के प्लांट है, अगर हमने ऐसा कर दिया कि 10% ऑफ टोटल वर्ल्ड हाइड्रो पावर रिजर्वॉयर जो हम आर्टिफिशियली बनाते हैं, उसको हमने अगर कवर कर दिया, 10% जितने फ्लो वर्ल्ड के हाइड्रो पावर रिजर्वॉयर के ऊपर हमने फ्लोटिंग फोटोवोल्टेइक चैनल्स लगा दी, पैनल्स लगा दी, तो फिर वी कैन जनरेट इक्विवेलेंट ऑफ ऑल काइंड ऑफ एनर्जी दैट हैज बीन जनरेटिंग बाय दी फॉसिल फ्यूल, राइट? तो वो ये ऐसा है कि जितना फॉसिल फ्यूल जनरेट करता है, उतना सिर्फ 10% ऑफ रिजर्वॉयर कर सकते हैं अगर हमने प्रॉपरली फ्लोटिंग प्लांट उसके ऊपर डाला तो, और उसका मेंटेनेंस किया तो। अब ये जो फ्लोटिंग सोलर पैनल्स है, उसका कुछ फायदा है, क्या क्या फायदा है? ये आपको मेंस में भी काम आ सकता है एंड प्रीलिम के स्टेटमेंट में भी काम आ सकता है। तो सबसे पहला फायदा है कि वाटर की जो कूलिंग इफेक्ट है ना, कूलिंग डाउन इफेक्ट, वो उसको एक्स्ट्रा हीटिंग से बचाती है, और हीटिंग से ज्यादा वियर एंड टियर होता है। तो कूलिंग की वजह से उनकी एफिशिएंसी नॉर्मली ज्यादा बढ़ जाएगी कंपेयर टू द लैंड बेस्ड वंस। एंड सेकेंड चीज कि दीज डू नॉट इंटरफियर विद एनी काइंड ऑफ इकोसिस्टम। अब ये जो भी है वो पानी के ऊपर फ्लोट करते रहेंगे। नाउ समबडी विल आर्ग्यू कि हाँ यहाँ पे तो वो सनलाइट का पेनिट्रेशन किस हिसाब से होगा, बट हाँ ठीक है ना, हम पूरा पूरा कहाँ कवर कर रहे हैं, सिर्फ हम 10% ही कवर कर रहे हैं। उसके सामने अगर आप डेजर्ट इकोसिस्टम में ऐसे सोलर पैनल डाल रहे हैं, तो वो विंड के बीच में भी आता है, बर्ड्स के बीच में भी आते हैं, और रेप्टाइल के बीच में भी आएंगे। तो यहाँ पे जो हैबिटाट का फ्रेगमेंटेशन है वो हम यहाँ पे रोक सकते हैं। सो ये जो हमारी मराइन इकोसिस्टम है या तो फिर वाटर बेस्ड इकोसिस्टम है, उसमें कहीं पे भी ये हर्डल नहीं डालते। सो दैट्स वाई इट इज अ बेनिफिशियल फॉर एनवायरमेंट, इकोसिस्टम एज वेल। एंड देन जो भी हमारा फ्रेश वाटर है उसको वो इवेपोरेशन से बचा लेता है, क्योंकि ऊपर पूरा कवर आ जाएगा तो वाटर इवेपोरेट होगा नहीं, वाटर इवेपोरेट होगा नहीं तो जो भी हमारा प्रेशियस ड्रिंकिंग वाटर है वो वहीं का वहीं रहेगा। तो इस प्रकार के कुछ कुछ बेनिफिट हमें इसमें से मिल सकते हैं। आई होप आपको ये भी पता चला होगा। उसके बाद ऐसा है कि जो फ्रेश वाटर है उसको हमें और ज्यादा हार्वेस्ट करना चाहिए, ऐसा कुछ अमेरिकन कोई साइंटिस्ट ऐसा बोलते हैं। अब अमेरिकन साइंटिस्ट का कहना ऐसा है कि सबसे बड़ा जो फ्रेश वाटर का सोर्स है, जो अब तक हमने कभी भी टैप नहीं किया है, जो एब्सोल्युटली अनटैप्ड है, वो क्या है? तो वो जो ओशन हमारा है उसके ऊपर जो इवेपोरेट होने वाली जितनी भी हमारी पानी की बाष्प या तो फिर वाटर की वेपर है वो हमने अभी तक हार्वेस्ट नहीं करी। अगर हमने वो हार्वेस्ट कर ली तो जहां जहां पे भी पानी की अभी कमी बहुत ज्यादा है, उन सभी को हम अच्छे से वहां पे पानी पहुंचा सकते हैं। बट वी विल सी कि उसको हम हार्वेस्ट किस हिसाब से करें। सो राइट नाउ दे आर सीइंग कि हार्वेस्टिंग ओशन वाटर वेपर एज अ सॉल्यूशन टू लिमिट सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर इन वेरियस लोकेशन ग्लोबली, स्पेशली इन सर्टेन लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज जहां पे लोगों को पानी इतना इजीली मिलता नहीं है, राइट? तो ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज है कि भी ओशन के ऊपर का जो फ्रेश वाटर होता है, क्योंकि आपको पता होगा कि जब भी इवेपरेशन होता है तो इवेपरेशन हमेशा फ्रेश वाटर का होता है, इवेपरेशन में कभी सॉल्ट नहीं जाता। तो सॉल्ट जो है वो दरिया की सतह या तो फिर वो समुद्र है, समुद्र की सतह पे ही रह जाता है और फ्रेश वाटर ऊपर चला जाता है। तो इस प्रकार की जो इवेपरेशन मैकेनिज्म है उसको हमें हार्वेस्ट करना चाहिए, ऐसा साइंटिस्ट का कहना है। और फिर आज का जो लास्ट करंट अफेयर है उसमें ऐसा है कि जो दीपोर बिल है, दीपोर बिल कौन से स्टेट में आया? तो वो आया आसाम के स्टेट में, एंड इट इज दी ओनली रामसर साइट इन एंटायर स्टेट। ये आसाम के अंदर ये रामसर साइट है, तो रामसर के बारे में थोड़ा कुछ हमें पता होना चाहिए कि रामसर साइट और रामसर कन्वेंशन इज रिलेटेड टू वॉट? तो इट इज रिलेटेड टू वेटलैंड कंजर्वेशन। अब वेटलैंड जो जो होंगे, जो ग्लोबली इंपॉर्टेंट होंगे, उनको बचाने के लिए, उनको कंजर्व करने के लिए हमने 1971 में ईरान के एक सिटी का नाम है जिसका नाम है रामसर, वहां पे हमने कन्वेंशन किया, और वेटलैंड को कंजर्व करने के लिए सभी जो जो बड़े बड़े कंट्रीज थे उन्होंने साइन की, एंड इंडिया वाज वन ऑफ देम। तो फिलहाल इंडिया ने
जिनीवा में जाके जो हमारा वहां पे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुई, तो जिनीवा में हमने 75 at 75 थीम से हमने टोटल इंडिया के अंदर 75 डिफरेंट डिफरेंट रामसर साइट्स हमने अभी तक डेसिग्नेट की है। बट इंडिया में दूसरी भी एक चीज है जो रामसर साइट के साथ ही है, दैट इज मॉन्ट्रू रिकॉर्ड। अभी जो मॉन्ट्रू रिकॉर्ड है उसमें ऐसा होता है कि जो जो ग्लोबली इंपॉर्टेंट वेटलैंड होती है जिसकी डिग्रेडेशन बहुत ज्यादा हो गई है, जो बहुत ही खराब हालत में है, जिसका डिग्रेडेशन बहुत ज्यादा हुआ है, उन सभी को हम मॉन्ट्रू रिकॉर्ड में डाल देंगे ताकि हमें पता चले कि इसको स्पेशल मेंशन दिया गया है और इसको कंजर्वेशन में हमें ट्राई और ज्यादा करना पड़ेगा कंपेयर टू अदर रामसर साइट्स। तो अगर हम इंडिया के बारे में बात करें तो टोटल इंडिया की 3 साइट थी वो मॉन्ट्रू रिकॉर्ड में थी। तो एक है चिल्का लेक, सेकेंड है केवलादेव घाना, एंड थर्ड है लोकतक लेक, राइट। और उसके बाद अब फिलहाल क्या हुआ कि 2002 में चिल्का लेक को कंजर्वेशन की वजह से उसको मॉन्ट्रू रिकॉर्ड से निकाल दिया गया। तो फिलहाल हमारे पास कितने हैं, अभी फिलहाल 2 वेटलैंड है जो मॉन्ट्रू रिकॉर्ड के अंदर है। तो इंडिया विल ट्राई कि जितने भी वेटलैंड है मॉन्ट्रू रिकॉर्ड में है वहां से बाहर निकल जाए और वो नॉर्मल हो जाए और हम इस तरह से उसका कंजर्वेशन कर सकते हैं। और ये जो दीपोर बिल है उसमें सबसे बड़ा अभी थ्रेट कौन सा आ रहा है, तो अर्बन वेस्ट आ रहा है थ्रेट, या तो फिर जो भी गार्बेज वगैरह है वो उसमें सारे लोग डंप करते जा रहे हैं। इन वेटलैंड में हमें ये गार्बेज वगैरह डंप नहीं करने चाहिए, बिकॉज वेटलैंड आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट फॉर द माइग्रेटरी बर्ड स्पीसीज। किसके लिए, जो हमारे माइग्रेटरी बर्ड स्पीसीज है उसके लिए वो एक रेस्टिंग ग्राउंड होता है, एक ब्रीडिंग ग्राउंड होता है, एंड देन फीडिंग ग्राउंड होता है। तो ऐसे मल्टीफंक्शनल रोल प्ले करता है, तो हमें उसको बचाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू DICS। आज हम बात करेंगे संडे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। तो संडे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पेज कुछ इस तरह से दिख रहा है, प्लीज वॉच इट केयरफुली और इसको हम और ज्यादा डेप्थ में एनालाइज करेंगे, राइट। और संडे साइंस के साथ साथ कुछ दो तीन और मुझे एनवायरमेंटल न्यूज जो दिखी है उसको भी हम अब कवर करेंगे, राइट। तो ये आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव बन सकता है, UPSC इसमें से काफी क्वेश्चंस पूछ लेती है, सो मेक श्योर यू पे गुड अटेंशन एंड मेक श्योर यू मेक नोट आउट ऑफ इट। क्योंकि अगर हमने नोट नहीं बनाई या तो फिर अच्छे से अटेंशन नहीं दिया, तो एक बार आप पढ़ तो लोगे पर जब रिवाइज करने का टाइम होगा या तो फिर कोई टेस्ट सीरीज में रिकॉल करने का टाइम होगा, तब आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बन जाएगा। सो फिर उसके लिए हमें और ज्यादा रिवाइज करने के लिए अच्छे से नोट्स बनानी पड़ेगी। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। जो आज का जो करंट अफेयर जो सबसे पहला है, इट इज अबाउट नीला कुरिंजी सेंचुरी। अब ये जो नीला कुरिंजी सेंचुरी है वो एज सच किसके साथ रिलेटेड है, तो ये तमिलनाडु के साथ रिलेटेड है। अब यूनियन गवर्नमेंट ने 2006 में ऐसा बोला था कि हम नीला कुरिंजी सेंचुरी एस्टेब्लिश करेंगे, जो किसको बचाता है, नीला कुरिंजी फ्लावर्स को बचाता है। तो पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं कि नीला कुरिंजी फ्लावर्स है क्या। तो ये जो नीला कुरिंजी फ्लावर्स है वो केरला तमिलनाडु में ग्रो करते हैं, और अगर आपको पता हो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व तो वहां पे भी वो ग्रो करते हैं। तो वहां पे ये जब ग्रो करेंगे तो मोस्टली दे आर फाउंड इन शोला श्रब फॉरेस्ट। कहाँ पे ये मिलते हैं, शोला श्रब फॉरेस्ट में मिलते हैं। अब जो शोला ग्रासलैंड है या तो फिर शोला फॉरेस्ट है वो भी एक यूनिक फीचर है, तो आपको उसके बारे में भी थोड़ा कुछ जानकारी होना चाहिए। एंड उसके साथ साथ वहां पे एक एंडेमिक स्पीसीज पाई जाती है जिसका नाम है नीलगिरी तहार। क्या नाम है उसका, नीलगिरी तहार। वो एक गोट एंटलप है, तो वो भी हमारे लिए एंडेमिक स्पीसीज है और वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हो जाता है एज फार एज द यूपीएससी प्रिलिमिनरी इज कंसर्न्ड। अब यहाँ पे ऐसा है कि गवर्नमेंट ने 2006 में तो बोल ही दिया कि हम ये एक सेंचुरी को डिमार्केट करेंगे। अब ये सेंचुरी को क्यों डिमार्केट करते हैं, ताकि हम नीला कुरिंजी फ्लावर्स को बचा सके। अब ये जो नीला कुरिंजी फ्लावर है उसकी एक अच्छी बात ये है, या तो फिर यूनिक फीचर ऐसा है कि इट ब्लॉसम्स एवरी 12 ईयर्स, तो ये 12 साल में एक बार ब्लॉसम करता है। और वहां की एक ट्राइब का नाम है जिसका नाम है पालियान ट्राइब। सो पालियान ट्राइब यूजेस दिस फ्लावरिंग पैटर्न टू कैलकुलेट देयर एजेस। तो ये एक ना एक रेफरेंस पॉइंट की तरह ले लेते हैं कि जब जब ये ग्रो करेगा तो वो 12 साल होगा, तो पूरी जो एक ग्रोइंग साइकिल है उसको एक रेफरेंस की तरह लेते हैं सो दैट दे कैन कैलकुलेट देयर एज, राइट। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग ट्रिवियल न्यूज आपका हो गया। प्लस ये जब फ्लावर जब भी ब्लॉसम करेगा तो उसका जो समय है वो समय कौन सा रहता है, वो सितंबर से अक्टूबर रहता है, सितंबर से अक्टूबर। सो मेक श्योर आपको ये छोटी छोटी न्यूज पता हो या तो फिर छोटे छोटे ये नुआंस उसको पता हो। तो लास्ट ये कब ब्लॉसम हुआ था, तो लास्ट ब्लॉसम हुआ था 2014
18 में ब्लॉसम हुआ था, तो अब मुझे बताइए कि नेक्स्ट ये कब ब्लॉसम होगा, राइट? प्लीज राइट इट डाउन इन अ कमेंट सेक्शन। तो नीलाकुरिंजी फ्लावर, अब न्यूज में ऐसा है कि जो मुन्नार के आसपास ये हम सेंचुरी बनाने वाले थे, वो अभी तक पेपर पे ही रही है, उसको अभी तक हमने कुछ भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया है, सो दैट्स नॉट अ गुड थिंग। अब आई होप कि हम जल्दी से उसको कन्वर्ट कर दे और फिर जाके उसको हम प्रोटेक्शन अच्छे से दे पाए, राइट? एंड इट हैज़ ऑलरेडी बिन लिस्टेड एज अ प्रोटेक्टेड प्लांट इन केरला, राइट? तो ये करंट अफेयर हमारे लिए इम्पोर्टेंट था। जो सेकेंड करंट अफेयर है, इट इज़ अबाउट एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। अब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला है कि कोई भी अर्बन प्रोजेक्ट आप एस्टेब्लिश करो, उसके पहले एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट हो जाना चाहिए। अब एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के बारे में यू मस्ट बी नोइंग कि लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने कुछ ड्राफ्ट दिया था और फिर उसमें पब्लिक हियरिंग का पोर्शन जो था वो कुछ उसमें भी अमेंडमेंट डाले थे। मैनी ऑफ द क्रिटिक क्रिटिसाइज दैट, मैनी ऑफ द पीपल दे सेलिब्रेटेड दैट, सो अभी भी वो पूरा कुछ चलता रहता है। तो जब उसका प्रॉपर पब्लिक हियरिंग हो जाएगा या तो फिर पब्लिक ऑडिट हो जाएगा, तब जाके हम उसको कमेंट्स करेंगे। अभी तक जो है हम 2006 की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से चलते हैं, राइट? तो एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट जो है वो हमारा प्रीलिम्स से ज़्यादा मेंस में बहुत ज़्यादा काम में आता है। मेंस का एक सेपरेट टॉपिक हो जाता है कि भाई एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट एंड इट्स नुआंसेस एंड इट्स फीचर। सो प्लीज़ रीड इट केयरफुली। अगर आपको उसकी पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ राइट इट डाउन इन कॉमेंट सेक्शन, हम उसको तुरंत ही आपको प्रोवाइड कर देंगे। फिर जो हमारा करंट अफेयर है, इट इज़ अबाउट डीप वाटर सर्कुलेशंस दैट आर हैपनिंग इन इंडियन ओशन एंड अक्रॉस दी अदर ओशंस। अब साइंटिस्ट ने क्या किया है कि कुछ डेटा के साथ उन्होंने एक से पहले, मतलब समझ लीजिए कि 1000-2000 साल पहले जो होने वाले जितने डीप वाटर ओशन सर्कुलेशन थे, उसको रिक्रिएट किया है, रिकंस्ट्रक्ट किया है, ताकि हमें पहले की डेटा पता चले और नया डेटा पता चले। तो न्यूज़ में ऐसा है कि ग्लोबल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन जो है, जो इक्वेटर से पोल पे जाता है और पोल से वापस इक्वेटर पे आता है, तो ये जो पूरा सर्कुलेशन है वो कैसा होता है कि पहले इक्वेटर से सरफेस पे रहेगा और पोल पे पहुंचेगा, और पोल से डीप डाउन जाएगा और इक्वेटर पे वापस वो अपलिफ्ट होगा। तो ये जो डाउनवेलिंग एंड अपवेलिंग की पूरी जो प्रोसेस है वो हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि एक तो सबसे पहले ये हीट डिस्ट्रीब्यूशन में मदद करता है। किसमें? हीट डिस्ट्रीब्यूशन में मदद करता है। तो अर्थ का जो ये हीट बजट है उसको बैलेंस आउट करने के लिए हमें हेल्प करता है। और सेकंड ये है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को भी मैनेज करता है। कैसे? तो इंटरेस्टिंग बात है, तो चलिए वो पहले देख लेते हैं। एक सेकंड। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे बैलेंस आउट करता है? तो एक टेंडेंसी ऐसी है कि जब भी कोई भी कोल्ड वाटर रहता है तो वो CO2 को एब्जॉर्ब करता है। तो जब भी CO2 को एब्जॉर्ब करेगा तो वो बनाएगा वीक कार्बोनिक एसिड। क्या बनेगा? वीक कार्बोनिक एसिड बनाएगा। और जब भी वाटर वार्म रहता है देन इट रिलीजेस CO2 बैक इन द एटमोसफियर। तो द मोर वाटर इज कोल्डर इट विल एब्जॉर्ब मोर CO2, द मोर वाटर इज वार्मर इट विल रिलीज द CO2, एंड दिस इज हाउ इक्वेटर बिकम्स कार्बन सोर्स फॉर अस एंड द पोल वाटर बिकम्स कार्बन सिंक फॉर अस। तो ये आपको पता होना चाहिए। और इस तरह से ये पूरा हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड का बजट है या तो फिर हीट का बजट है उसको वो बैलेंस आउट करता रहता है। नाउ करंट अफेयर में ऐसा है कि जो हमारा एंटार्क्टिक ओशन के अंदर का जो बॉटम वाटर है उसका हमें पर प्रॉपर स्टडी नहीं है। अगर हमारे पास प्रॉपर स्टडी नहीं है तो 1000 साल पहले या 2000 साल पहले वहां पे सर्कुलेशन किस हिसाब से होता होगा उसकी तो हमें बिल्कुल जानकारी है ही नहीं। तो फिर गोवा बेस्ड नेशनल सेंटर फॉर पोलर ओशन रिसर्च, जो हमारा सेंटर है गोवा में, उसने क्या किया कि जो भी हमारे अभी तक फिलहाल जो इंडियन ओशन के करंट हैं या तो फिर अटलांटिक ओशन के, नॉर्थ अटलांटिक ओशन के करंट हैं, उसमें डीप ओशन में जितने जो भी करंट हैं उसकी कुछ उन्होंने पैटर्न बनाई, और पैटर्न के हिसाब से जो एंटार्क्टिक के बॉटम वाटर है या तो फिर 1000 साल पहले होने वाले जो इंडियन ओशन में बॉटम वाटर के करंट है उसको रिकंस्ट्रक्ट करने का ट्राई किया है, और उसके ऊपर अभी फिलहाल रिसर्च चल रहा है, राइट? एंड राइट नाउ इट इज ऑल अनटेस्टेड बिकॉज द लैक ऑफ एडिक्वेट डेटा। अब इसके साथ साथ दूसरा जो हमारा करंट अफेयर निकल के आता है वो है AMOC सर्कुलेशन एंड इट्स हॉल्टिंग। अब ये जो AMOC है वो क्या है? तो उसका फुल फॉर्म है एटलांटिक मेरिडियोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन। क्या है उसका फुल फॉर्म? एटलांटिक मेरिडियोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन।
अब ये जो AMOC है वो स्लो डाउन होता जा रहा है। वो क्यों स्लो डाउन होता रहा है वो देखते हैं। तो ये ध्यान से देखिए इस इमेज को। ये जो इमेज है उसमें ब्लू लाइन जो आपको दिख रही है वो क्या है, वो कोल्ड वाटर करंट है। और उसके सामने अगर जो आपको जो रेड लाइन दिख रही है वो क्या है, वो सरफेस करंट है, या तो फिर उसको हॉट वाटर करंट कहा जाता है। अब ये पूरा हीट बैलेंस मैनेज कर रहा है। और ऐसा है कि 1,000 साल में पूरी जो एक जो बूंद यहाँ पे थी वो बूंद पूरी पूरी सर्कुलेट करके वापस अपनी जगह पे आएगी। वो कितना टाइम लेती है, जनरली 1,000 ईयर ले रही है। बट ये जो सर्कुलेशन है वो अब स्लो डाउन होता जा रहा है। क्यों स्लो डाउन होता जा रहा है, क्योंकि ये जो पोल का जो पानी है वो पोल का पानी अच्छे से ठंडा नहीं हो रहा, वो वार्म होता जा रहा है। जितना ही पानी ठंडा होगा उतना वो नीचे से धक्का देता है, जितना वो धक्का देगा उतना ये जो सर्कुलेशन है वो रैपिडली चलेगा। बट ये पोल का पानी वार्मर होता जा रहा है और इनफ धक्का वो प्रोवाइड नहीं कर रहा। जो टेम्परेचर का डिफरेंस होना चाहिए वो टेम्परेचर का डिफरेंस प्रॉपरली हमें मिल नहीं पा रहा। सो दैट्स वाई नॉर्थ एंड इक्वेटर का जो वाटर का टेम्परेचर डिफरेंस है वो धीरे 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 लोअर होता जा रहा है। और जितना टेम्परेचर लोअर होता जाएगा उतना AMOC स्लोअर होता जाएगा। सो राइट, तो आपको दोनों के बीच का डिफरेंस पता चल गया, राइट? ओके, तो ये हमारा उसके बाद का करंट अफेयर था। फिर अभी जो सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है जोशी मठ। आप सभी को पता होगा कि जोशी मठ में क्या हो रहा है। जोशी मठ में हो रहा है लैंड सब्सिडेंस। वहां की जो लैंड है वो धीरे 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 सब्सिडेंस हो रही है, या तो फिर नीचे धसी जा रही है। और वो कैसे धसी जा रही है, क्यों धसी जा रही है, उसके बारे में हमें पूरी ये चर्चा करने की जरूरत है। तो चलिए एक के बाद एक देखते जाते हैं। सबसे पहले न्यूज में ऐसा कहना है कि जो हिमालयन डेवलपमेंट है इट इज द मेजर रीजन फॉर जोशीमठ सब्सिडेंस। क्यों, क्योंकि बैक इन 15 ईयर्स मिश्रा कमेटी ने ऐसा बोला था कि जो हिमालय का डेवलपमेंट हो रहा है वो अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट है और हमें वो साइंटिफिक वे में करना चाहिए, कुछ एक सस्टेनेबल वे में करना चाहिए। अभी तक जो आप डेवलपमेंट कर रहे हैं वो हैफजार्ड है और अनसस्टेनेबल वे पे है। तो सबसे पहले ऐसा था कि जोशीमठ जो टाउनशिप है वो पूरी किसके ऊपर बनी हुई है, तो वो जो हमारे पहले के अर्लियर लैंडस्लाइड के जितने रेसिड्यूज थे और डेब्रीज थे उसके ऊपर बनी है। तो एज सच ये इतना स्ट्रांग नहीं होगा, वो पहले से ही कैसा होगा, हल्का सा लूज होगा, क्योंकि उसकी हिस्ट्री में ही क्या है, लैंडस्लाइड है। उसके साथ साथ अभी फिलहाल हम क्या क्या करते जा रहे हैं, हम वहां की एनर्जी नीड को कैटर करने के लिए और ग्रीन एनर्जी में कन्वर्ट होने के लिए वी हैव इनिशिएटेड मैनी स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। उसमें से एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तपोवन एंड ऋषिगंगा के ऊपर है। फिर उसके साथ हम टनलिंग कर रहे हैं ताकि ऑल वेदर कनेक्टिविटी हमें मिल सके। रोड के वाइडनिंग कर रहे हैं सो दैट हम ज्यादा से ज्यादा टूरिज्म को पुश कर सके और जो सप्लाई चेन है उसको अच्छे से रीइंस्टेट कर सके। एंड दैट्स वाई वहां पे बिल्डिंग्स का क्या होता जा रहा है, मशरूमिंग होता जा रहा है। सो दैट बिल्डिंग एक नहीं, एक के साथ 10 10, 15 15, 20 20, 50 50 बिल्डिंग साथ में बन रही है। एंड उसमें से एक जो इनफेमस एक 7 स्टोरी बिल्डिंग और 7 स्टोरी होटल थी जिसको अभी हम डिसमेंटल कर रहे हैं। क्या आपको उसका नाम पता है क्या? अगर नाम पता हो तो प्लीज राइट इट डाउन इन अ कॉमेंट सेक्शन। और धीरे धीरे वो सारी कुछ चीजें, सारा कुछ डेवलपमेंट करने के लिए हमारे पास जो ग्रीन कवर है उसको हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं और यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। एंड ऑब्वियसली डिफॉरेस्टेशन से क्या क्या नुकसान है वो आपको पता ही होगा। और अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज ज्वाइन आर एनवायरमेंट सेक्शन, उसमें हम उसमें डिटेल में बात कर रहे हैं। फिर ये लैंड सब्सिडेंस है वो रीजन क्या क्या है, तो रीजन ऐसा है कि शायद ये 2021 में जो फरवरी में धौली गंगा रिवर में और ऋषि गंगा रिवर में जो एवलांच आया था, या तो फिर आप कह सकते हैं कि वहां पे बहुत ही बड़ा रॉक का फ्लो आया था और ग्लेशियर का आइस सडनली वहां पे आ गया था, तो उसकी वजह से सबसे पहला एक ट्रिगर वार्निंग है। दूसरा ट्रिगर वार्निंग ऐसा है कि वहां पे जितना भी डेवलपमेंट हो रहा है वो एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है। तीसरा रीजन ये भी था कि 1 दिसंबर 2009 से कोई एक एक्वीफर ऐसा है कि जो लीक होता जा रहा है, जो वो भी लीक होता जा रहा है वो अंडरग्राउंड से पानी को धीरे 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 रिलीज कर रहा है और जो नीचे की जो सॉइल है सॉइल को लूज बनाता जा रहा है और सॉइल को मड़ी बनाता जा रहा है। और ये जितना मड़ी बनाएगा, जितना लूज बनाएगा, उतना ज्यादा वो हमें ऊपर का जो लेयर है वो उतना ज्यादा ढीला होता जाएगा और वहां पे सब्सिडेंस हो सकता है। और ये सब्सिडेंस की वजह से क्या हो रहा है कि जो हमारे नीचे जोशीमठ की जो लैंड है उसके डेब्रीज की स्ट्रेंथ है वो बहुत ही ज्यादा वीक होती जा रही है। एंड देन धीरे 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 जोशीमठ नीचे चलता जा रहा है।
अब जोशीमठ का जो नीचे चलता जाना है उसमें एक रिपोर्ट अभी फिलहाल ऐसी आई थी कि जो हमारे रिमोट सेंसिंग जो देहरादून में सेंटर है उसने ऐसे ली है कि जोशीमठ इज सिंकिंग एट अ रेट ऑफ 6.5 सेंटीमीटर पर ईयर फ्रॉम दी जुलाई 2022 मार्च 2022। अब ये 2 साल का डेटा ऐसा कह रहा है कि वो 6.5 सेंटीमीटर से सिंक होता जा रहा है। राइट, अब इसमें पूरा विक्टिम किसको कहा गया है? तो विक्टिम कहा गया है हमारे ग्रोथ को। अब वो जो ग्रोथ है वो क्या हम क्लीन एनर्जी के नाम पे कर रहे हैं या तो फिर नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे कर रहे हैं? तो उसमें जो ये हिमालयन फ्रजाइल इकोसिस्टम है वो अभी विक्टिम बन रही है, और जितना हिमालयन इकोसिस्टम विक्टिम बनेगी उतना ही हिमालय में रहने वाले जो लोकल पॉपुलेशन है वो भी विक्टिम बनती जाएगी। लोकल पॉपुलेशन विक्टिम बनती जाएगी तो टूरिज्म हमारा विक्टिम बनता जाएगा, अगर टूरिज्म विक्टिम बनता गया तो हमारा इकोनॉमी भी विक्टिम बनता जाएगा। तो जिसके लिए हम ये सारा कुछ कर रहे हैं एट द एंड ऑफ द डे बूमरैंग हो गए, वही खत्म हो जाएगा। अगर वो खत्म हो गया तो फिर हम डेवलपमेंट किसके लिए कर रहे हैं? तो दैट्स वाई वी हैव टू कंसिडर कि वट एवर इज डन इट इज डन विदाउट इग्नोरिंग द ह्यूमन सफरिंग, और जो हमारे सोशियो इकोनॉमिक चीजें है उसको ध्यान में रख के हमें ये करना चाहिए। राइट, और जोशीमठ के साथ ही दूसरा ऐसा था कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने ऐसा बोला है कि जो भी इसरो का डेटा है या तो फिर हमारे जो रिमोट सेंसिंग सर्वे सेंटर का डेटा है वो डेटा कोई भी हम मीडिया को नहीं शेयर करेंगे, क्योंकि मीडिया जो है वो अपने इंटरप्रिटेशन डालती है, और अपने इंटरप्रिटेशन से अगर वो मीडिया और सोशल मीडिया में फैलना चालू हो गया तो माइट पॉसिबल कि ये मिस इन्फॉर्मेशन को पुश कर सके, और मिस इन्फॉर्मेशन को जितना पुश करेंगे उतना वहाँ के एक लोकल लोगों के अंदर एक भय हो जाएगा या तो फिर आसपास के लोगों के अंदर एक भय फैल सकता है, जो एट सच जब भी हमारे ऊपर डिजास्टर आता है तो हमें पैनिक नहीं क्रिएट करना चाहिए। सो दैट इज आवर प्राइम जॉब। दूसरा, अब ये स्नैपशॉट करंट अफेयर में ऐसा है कि पहले जायंट टॉर्टस जो थे वो अफ्रीकन कॉलोनी से मेडागास्कर में गए, मेडागास्कर को उन्होंने कॉलोनाइज किया, आसपास के छोटे छोटे आइलैंड्स को कॉलोनाइज किया। तो वो उन्होंने कब कॉलोनाइज किया? तो इट कुड बी फ्रॉम द लेट ईओसीन टू ओलिगोसीन ईपॉक। अब ओलिगोसीन और लेट ईओसीन ईपॉक क्या है? तो ये जो ईपॉक है दे आर पार्ट ऑफ आवर जियोलॉजिकल टाइम स्केल। अब जियोलॉजिकल टाइम स्केल में आपने सभी ने नाम एक सुना होगा जिसका नाम है गोंडवाना लैंड, या तो फिर गोंडवाना एज, फिर धारवाड़ एज। राइट, तो ये पूरा एक ज्योग्राफी का दूसरा ही सेक्शन हो जाता है जो जिसको अभी हमें डीप में जाने की जरूरत नहीं है। बट ह्यूमन आने से पहले मेडागास्कर में कौन था? तो ऐसे ये लार्ज जायंट टॉर्टस थे जो वहां पे पूरा पॉपुलेटेड थे, बट अब धीरे धीरे वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। फिर दूसरा एक करंट अफेयर में ऐसा है कि 1 साल पहले टोंगा में कोई वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था, लाइक जनवरी 2022 में। तो उसकी वजह से वो वॉल्केनो इरप्शन जब भी हुआ वो 30 साल में सबसे लार्जेस्ट इरप्शन था। सो बिकॉज ऑफ दैट कुछ कुछ सिस्मिक वेव्स भी उन्होंने क्रिएट किए हैं जो एटमोसफियर में भी जा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए कि एटमोसफेरिक ग्रेविटी एंड साउंड वेव्स उसने मीजोस्फियर तक स्प्रेड किए हैं, और उसका सीधा ही इम्पैक्ट कहाँ पे हो रहा है? हमारे रेडियोस्फियर में या थर्मोस्फीयर में जो होने वाले जो हमारे सैटेलाइट्स वगैरह है उसके ऊपर उसकी इम्पैक्ट आ रही है। प्लस धीरे धीरे वो सुनामी वेव भी क्रिएट कर रहे हैं। तो वो जब हुआ था तो उसके रिपरकशंस आज भी हो रहे हैं, और आज उसकी डिटेल स्टडी आई है जो हमारे यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। बट ये जो टोंगा है वो टोंगा आया कहाँ पे? तो वो ज्योग्राफी हमें पता होनी चाहिए। तो टोंगा आया सेंट्रल पैसिफिक में। ये जो पैसिफिक में आया है तो उससे सबसे क्लोजेस्ट क्या है? न्यूजीलैंड है। फिर क्लोजेस्ट क्या है? ऑस्ट्रेलिया है। और फिर यहाँ पे लैटिन अमेरिका आ जाता है, और यहीं पे ही आइलैंड आया फीजी आइलैंड, जो आपको पता होना चाहिए। तो फीजी भी एक फेमस आइलैंड नेशन है, वो भी इसके पास ही आया। तो अगर आपको पूछ लेते कि भाई क्लोजेस्ट कौन सा आ जाता है तो फीजी क्वेश्चन में है, तो फीजी को आप क्लिक कर सकते हैं। न्यूजीलैंड है तो पहले न्यूजीलैंड, फिर जाके ऑस्ट्रेलिया, फिर जाके पापा न्यू गिनी, एंड फिर लैटिन अमेरिका की कोई कंट्री आ जाए तो उसका नाम आप लिख सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू DICS। आज हम बात करेंगे इस संडे का साइंस एंड टेक्नोलॉजी पेज के बारे में। राइट, ध्यान से देख लीजिए ये पेज कैसा दिखता है। दिस इज द ओवरव्यू ऑफ द पेज, और फिर हम उसको डेप्थ में पढ़ाई चालू करेंगे। राइट, अब ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी देखने से पहले एक ये इंटरेस्टिंग न्यूज़ थी जो मुझे शेयर करनी थी आपसे, सो दैट्स वाई आई हैव ब्रॉट इट टू यू। इसमें ये है कि चाइना इज बिल्डिंग अ न्यू डैम नियर तिबेटियन बॉर्डर। वो तिब्बत बॉर्डर, नेपाल के जो बीच की बॉर्डर है वहाँ पे वो एक नया सा डैम बना रहे हैं। तो चाइना का अल्टीमेट
एम क्या है कि एक तो वो वाटर को लेवरेज की तरह यूज करेगा, फिर दूसरा ये ट्राई जंक्शन जो इंडिया, नेपाल और चाइना, तीन तरीके का ये जो ट्राई जंक्शन है, वहां पे अगर उसने इस प्रकार का कोई डैम बना दिया तो उसका डिस्प्यूटेड टेरिटरी के ऊपर एक क्लेम बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार का एक स्ट्रेटेजिक एंड मिनीसिंग प्रकार का एक वो एक प्रोग्राम बना रहे हैं, राइट। और एक्सपेंशनरी पॉलिसी के बारे में हम बात करें तो चाइना इज अ फ्रंट रनर, इवन नॉट यूएसए, नॉट इंडिया, नॉट रशिया, बट चाइना अपना खुद का जो पावर है वो एक्सर्ट करते करते नॉट जस्ट इन साउथ एशिया बट इवन साउथ ईस्ट एशिया में, साउथ चाइना सी में वो बहुत ही अच्छा एविडेंट है। कल को माने वो पैसिफिक में भी उतना ही ज़्यादा अग्रेसिव हो जाए तो उसके लिए अमेरिका, इंडिया, रशिया, ऑस्ट्रेलिया ये सारे नेशंस खड़े होकर ट्राई कर रहे हैं कि चाइना को न्यूट्रलाइज करें। तो चलिए देखते हैं कि ये हमारे लिए क्यों ग्रेव मैटर है। तो सबसे पहला ऐसा है कि इट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर इंडिया एज वेल एज नेपाल, क्योंकि एक रिवर है जिसका नाम है माब्जा जांगबो। माब्जा जांगबो जो रिवर है वो इंडिया, तिब्बत एंड नेपाल के ट्राई जंक्शन पे है। जब ये तीनों के ट्राई जंक्शन पे है तो वो तीनों के लाइक इंडिया और नेपाल के लिए वो खतरा बन जाएगी, राइट। और ये जो है वो काला पानी एरिया जो उत्तराखंड का है उससे सिर्फ 15-16 किलोमीटर दूर ही है, तो आप समझ लीजिए कि कितना क्रिटिकल हो जाएगा। अब ये जांगबो रिवर जो है हमारी, माब्जा जांगबो रिवर, अब माब्जा जांगबो रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ घाघरा रिवर, और घाघरा रिवर फिर फ्लो करके ज्वाइन हो जाती है गंगा रिवर के अंदर। तो इट इज अ लार्जली एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ गंगा रिवर सिस्टम और गंगा रिवर बेसिन। सो यहाँ पे डैम बनाने से क्या क्या दिक्कतें आ सकती है उसके बारे में कुछ कंसर्न्स हुए हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, दे कैन कंट्रोल द वाटर इन दैट पर्टिकुलर रीजन। अगर वो वाटर को कंट्रोल करेंगे तो सीधा ही पहला इम्पैक्ट आएगा नेपाल के ऊपर, क्योंकि नेपाल में शायद ऐसा हो जाए कि उनकी जो रिवर है वहां पे पानी होना कम हो जाए, और उसके साथ दूसरा ये आ सकता है कि वो वहां पे पानी को स्टॉप कर दे। जब ये पानी को स्टॉप कर देंगे तो माइट पॉसिबल कि वो गंगा रिवर में भी पानी का लेआउट कम हो जाए। जब गंगा में मिनिमम वायबल फ्लो जो गंगा में रिड्यूस होना चालू हो जाएगा तो हमारी इकोनॉमी पे तो इम्पैक्ट पड़ेगा पड़ेगा, हमारी इकोलॉजी के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। सो ये दो धारी तलवार की तरह हमें कट करता रहेगा। अब ऐसा ही उन्होंने एक काम है ना यारलंग जांगबो के ऊपर भी किया था नियर अरुणाचल प्रदेश। अब यारलंग जांगबो रिवर जो है उसी को हम इंडिया में ब्रह्मपुत्रा रिवर के नाम से जानते हैं, जो देहांग तिबांग करके अरुणाचल से यू टर्न बैंड बना के इंडिया में एंटर करती है। तो इसके ऊपर भी उन्होंने डैम बनाना चालू कर दिया था। अब ये जो चाइना की प्रैक्टिसेस है उसमें कंसर्न ये है कि अगर उन्होंने वाटर को स्टोर करना चालू कर दिया, हाइडल प्रोजेक्ट वगैरह करना चालू कर दिया, वाटर को डाइवर्ट करना चालू कर दिया, तो एक ये एक वाटर पॉलिटिक्स हो जाएगा, ट्रांस बाउंड्री वाटर पॉलिटिक्स का एक मुद्दा हो जाएगा, राइट। तो माइट पॉसिबल कि फिर क्या होना चालू हो जाए कि भी वाटर के दम पे वो साउथ एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में अपने पावर को और ज्यादा वो एक्सर्ट कर सके। P5 का तो वो पहले से ही मेंबर है, और आप मुझे बताइए कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म P5। चलिए कमेंट सेक्शन में बताइए कि P5 से आप क्या समझते हैं, राइट। तो इस प्रकार से चाइना की जो भी अग्रेसिव स्टेप्स है वो हमें ध्यान से देखने पड़ेंगे, क्योंकि बीइंग अ गुड नेबर, बीइंग अवेयर नेबर, वी शुड बी नोइंग अबाउट वट एवर द बेस्ट स्टेप चाइना इज टेकिंग, एंड मोर मोर इम्पोर्टेंटली विच इज द वर्स्ट स्टेप चाइना इज टेकिंग, क्योंकि वर्स्ट के लिए हमें ऑलवेज प्रिपेयर रहना पड़ेगा। अब आते हैं साइंस के पेज के तरफ। साइंस के पेज में ऐसा सबसे पहला न्यूज है कि इंडिया हैज नॉट विटनेस्ड एनी सर्जेस इन केसेस फॉर मंथ्स। जो हमारा थर्ड वेव था वो जनवरी 2022 में चालू हुआ था और मार्च खत्म होते होते तो वो खत्म हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ? पूरे वर्ल्ड में आपने देखा होगा कि ओमिक्रॉन ओमिक्रॉन दहशत मचा रहा था, बट इंडिया में नहीं हुआ। उसका रीजन ऐसा दिया गया है कि नियरली 95% ऑफ इंडियंस हैव डेवलप्ड सम काइंड ऑफ अ हाइब्रिड इम्यूनिटी। नाउ द हाइब्रिड इम्यूनिटी स्टैंड्स फॉर इट इज द कंजक्शन ऑफ नेचुरल इन्फेक्शन, उसके से आपको रिकवरी हो गई हो, एंटीबॉडी जनरेट हो गए हो, एंड सेकंड कुड बी द वैक्सीन इंड्यूस्ड इम्यूनिटी। सो दैट व्हाट विल हैपन कि अगर आपसे वायरस से एंटीबॉडी जनरेट नहीं हुई तो कोई बात नहीं, वैक्सीन से जनरेट हो जाएगी, और ये दोनों का मिक्सचर जो है वो एक क्रिएट करती है हाइब्रिड इम्यूनिटी। एंड रिपोर्ट का कहना ऐसा है कि नियरली
12 साल के ऊपर के जो भी एजेस वाले जो लोग हैं उसमें 90% ऑफ द पीपल हैव डेवलप्ड सच काइंड ऑफ हाइब्रिड इम्यूनिटी सो दैट हमारे वहाँ उसका स्प्रेड बहुत ही कम है. एंड दिस इज द आर्ग्यूबली द बेस्ट पॉसिबल प्रोटेक्शन अगेंस्ट सार्स कोव टू या तो फिर COVID-19 वायरस. उसके कितने भी वेरिएंट आ जाए अगर ये प्रकार की अगर हमने इम्यूनिटी डेवलप कर ली है तो फिर हमें कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है. उसके अलावा दूसरा जो भी था ये सारा ठीक है, हमारे लिए कोई काम का है नहीं. ये सिर्फ आप हेल्थ के कोई एक सेक्शन में लिख सकते हैं या तो फिर कोई भी एक एमसीक्यू छोटा मोटा इसमें से आ सकता है कि हाइब्रिड इम्यूनिटी क्या है, वो रिपोर्ट में क्या था, हर्ड इम्यूनिटी और हाइब्रिड इम्यूनिटी में क्या डिफरेंस है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. बट ये हमारे लिए फालतू का है, बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है. अब दूसरा, बिग बैंग थियोरी से न्यूज आ रहा है. कौन सी थियोरी? बिग बैंग थियोरी. आपको पता होगा कि बिग बैंग थियोरी जो है वो हमारे लिए एक टीवी सीरीज ही नहीं रहनी चाहिए, वो एक साइंस की थ्योरी है. एक्चुअली वो यूनिवर्स के ओरिजिन की थ्योरी है, यूनिवर्स के स्प्रेड की थ्योरी है, और वो थ्योरी कोइंसाइड करती है हबल लमाथ, दिस इज हाउ फ्रेंच स्पीक्स, और हमारे लिए हो जाते हैं लेमात्र. तो लेमात्र और लमाथ बोथ आर द सेम फॉर अस, तो वी विल गो विद द लेमात्र. हबल लेमात्र ने ऐसा कहा था कि पहले एक सिंगुलरिटी थी, फिर धीरे 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 जो यूनिवर्स है वो हमारा एक्सपांड होता जा रहा है और हमारी गैलेक्सीज है वो एक दूसरे से फर्दर अवे जा रही है, और जितना उसका डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है उतनी ही उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है. दिस इज कॉल्ड हबल लॉ और हबल लेमात्र लॉ. तो ये जो जॉर्ज लेमात्र थे वो एक कैथोलिक प्रीस्ट थे, वो 19th सेंचुरी में थे, राइट, और 20th सेंचुरी में उनकी डेथ हुई. तो ही इज कॉल्ड वन ऑफ द फोर फादर और प्रोपोगेटर ऑफ द बिग बैंग थ्योरी. उनकी एक जो इंटरव्यू क्लिप है वो अभी वायरल हुई है, पहले उसको कहीं पे गंवा दिया गया था या तो फिर छुपा दिया गया था. इट वुड बी सेवरल थिंग्स, इट इज नॉट द फैक्ट राइट नाउ. बट ये थियोरी में से ये जो सॉरी ये जो इंटरव्यू है उसमें से दो चीज हमारे सामने आती है. एक, उनका कहना ऐसा है कि बिग बैंग थियोरी हैज बिन इट हैज रिप्लेस्ड द स्टेडी स्टेट थियोरी. अब स्टेडी स्टेट थियोरी में ऐसा था कि यूनिवर्स वॉज स्टैटिक और अभी जो सिचुएशन में है वही सिचुएशन में सबसे पहले से ही था. तो ऐसा स्टैटिक प्रकार का जो भी सिस्टम था वो है स्टेडी स्टेट थियोरी. उसको किसने रिप्लेस कर दिया? बिग बैंग थियोरी ने रिप्लेस कर दिया, राइट. सो गैलेक्सीज जो है वो एवर एक्सपांडिंग ही होती जा रही है, और ये जो स्टेट थियोरी है, ये स्टेडी स्टेट थियोरी है, उसको प्रोपोगेट करने वाले कौन थे? वो थे फ्रेड हॉयली और फ्रेड हॉयल. आप दो प्रकार से उसको प्रोनाउंस कर सकते हैं. अब ये जो स्टेडी स्टेट थियोरी है उसके साथ दिक्कत क्या थी? तो दिक्कत में ऐसा एक क्वेश्चन आता है कि जो हाइड्रोजन है विच इज वेरी नेसेसरी एंड फंडामेंटल पार्ट ऑफ द होल यूनिवर्स, तो हाइड्रोजन जो है वो अक्रॉस द गैलेक्सीज क्यों पाया जाता है? अगर गैलेक्सी अपनी ही जगह पे है तो उन दोनों के बीच में तो कोई डिस्टेंस सॉरी इतना ज्यादा डिस्टेंस है तो कोई इंटरचेंज भी नहीं हो सकता, राइट. तो वो हाइड्रोजन सभी के अंदर क्यों है? वो एक जो प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन इन अर्ली यूनिवर्स और राइट नाउ यूनिवर्स है वो क्वेश्चन को वो प्रॉपरली नहीं एड्रेस कर पाए. और फिर ऐसा है कि सेकेंडली उन्होंने ऐसा बोला कि जो भी मेरे रिलीजियस बिलीफ है, रिलीजियस बिलीफ में एक चीज है कि जो अभी फिलहाल गैलेक्सी की मूवमेंट है जो एक दूसरे से दूर जाती जा रही है और जितनी दूर जा रही है उतनी ही उनकी स्पीड इंक्रीज होती जा रही है, वो जो हमारा लॉ है वो लॉ गॉड को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, एंड इट गोज विदाउट सेइंग, मतलब ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इस तरह से उन्होंने बात करी है. तो इसमें से हमारे लिए एक दो छोटी चीजें बाहर आ जाती है कि एक है कि बिग बैंग थियरी के हिसाब से ऐसा कहा गया है कि जो हाइड्रोजन है वो अक्रॉस द यूनिवर्स स्प्रेड हुआ है, जितना यूनिवर्स में मैटर है उतना ही उसके अगेंस्ट एंटी मैटर है, एंड देर आर अनदर थिंग उसके कॉल्ड उसको कहा जाता है ब्लैक मैटर एज वेल. सो पहले सिंगुलरिटी थी, नथिंगनेस था, जो अभी हमें ब्लैक होल के अंदर देखने मिलता है कि इफ एवरीथिंग इज सक्ड इनटू ब्लैक होल देन व्हाट हैपेंस. तो वो जो हैपन होता है वो नथिंग होता है, इट इज एब्सोल्युटली नथिंग, जिसको हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते, वो सिंगुलैरिटी कहा जाता है. क्या कहा जाता है? सिंगुलैरिटी कहा जाता है कि सभी कुछ एक दूसरे के अंदर मिक्सअप हो जाते हैं, और ये जो मिट्टी से बने थे मिट्टी में मिल जाएंगे, इस तरह की जो सिंगुलैरिटी है वही ब्लैक होल की थियोरी है एंड ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की थियोरी है, राइट. आई होप आपको ये पता चला होगा.
उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर है वो ऐसा है कि ऊटी के एक प्लेस है फिंगर पोस्ट करके, वहां पे टेम्परेचर -6 जितना कम हो गया। कितना टेम्परेचर हो गया? -6 जितना कम हो गया। तो उसका रीजन क्या हो सकता है? तो रीजन देने के लिए आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर है, उन्होंने 3-4 अलग 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 रीजंस बताए हैं। उसमें से सबसे पहला उन्होंने बताया कि राइट नाउ वी आर एक्सपीरियंसिंग लानीनिया फेज। लानीनिया फेज हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उसका मतलब ऐसा है कि जो साउथ अमेरिका लैटिन अमेरिकन कोस्ट है वो अभी हीट फील कर रहा है और हम अभी कोल्ड फील कर रहे हैं, और जो कोल्ड है उसकी मात्रा हाई होती है लानीनिया में, राइट। बट जो फिलहाल जो लानीनिया है इट इज इंटेंसिफाइड, इंटेंसिफाइड होने की वजह से उसने बहुत ही ज्यादा विंटर को कोल्ड किया है, और इट इज एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग एक्सेसिव रेनफॉल एज वेल, राइट। तो WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का भी ऐसा कहना है कि जो लानीनिया है इट हैज एक्सपैंडेड फॉर नियरली 3 कॉन्जिक्यूटिव विंटर्स। जनरली ये कैसा होता है कि एक बार आता है फिर ब्रेक होता है, फिर 2-3 साल नहीं आता, फिर वापस आता है, फिर ब्रेक होता है और वापस आता है। बट ये जो ब्रेक आना ब्रेक आना ब्रेक आना इस तरह की जो सिचुएशन है वो नॉर्मल है। बट राइट नाउ व्हाट हैज हैपेंड कि इट हैज केम फॉर 3 कॉन्जिक्यूटिव विंटर्स, मतलब ये तीसरा विंटर जो हमारा है वो लानीनिया विंटर है, जहाँ पे हमारे वहाँ कोल्ड थोड़ी सी ज्यादा होगी। बट फिलहाल जो लानीनिया है इट इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग। उसका रीजन उनको भी नहीं पता है कि स्ट्रॉन्ग क्या है। अब रीजन में वो दो चीज बता रहे हैं कि एक तो लानीनिया स्ट्रॉन्ग है जो क्या करता है, साइबेरिया से आने वाले जितने भी विंड है उसको इंडिया की तरफ और साउथ की तरफ ले आता है, और उसकी इम्पैक्ट है वो हमें इम्पैक्ट पाई जाती है फ्रॉम द इटली टू दी फिलिपाइन। सारे जो उसके बीच के कंट्रीज है सभी जगह पे उसकी इम्पैक्ट आती है, राइट। तो सभी जगह पे विंटर कोल्ड फील होता है नॉर्मल हद से ज्यादा, राइट। तो ये एक उन्होंने बताया है। फिर उनका कहना ऐसा है कि जो फिलहाल जो लानीनिया है उसका एक ऑपोजिट टर्म है जिसका नाम है एल नीनियो, राइट। अब जो एल नीनियो है उसमें क्या होता है कि इससे कंप्लीटली ऑपोजिट हैपनिंग होती है। अब एल नीनियो बनने से पहले एक जो अकरेंस होता है उसका नाम होता है सदन ऑसिलेशन। क्या नाम होता है? सदन ऑसिलेशन। अब ये सदन ऑसिलेशन होता कहाँ पे है? तो सदन ऑसिलेशन होगा हमारा पैसिफिक ओशन में। पैसिफिक ओशन में क्या होगा कि यहाँ पे है ऑस्ट्रेलियन कोस्ट और यहाँ पे है लैटिन अमेरिकन कोस्ट, तो बीच में वार्मिंग अप होगा, राइट। यहाँ पे हल्का सा माइल्ड होगा, यहाँ पे हल्का सा माइल्ड होता होगा, बीच में वार्मिंग अप होगा, तो यहाँ से ही कन्वेक्शनल करंट जाएगा और ऊपर बादल बनाएंगे और बादल यहीं पे रेनफॉल दे देंगे। ना यहाँ रेनफॉल होगा ना यहाँ रेनफॉल होगा। तो इस प्रकार की जो ये मिडल कंडीशन है उसको कहा जाता है सदन ऑसिलेशन। ये जो ऑसिलेट कर रहा है एज सच रेनफॉल यहाँ आना चाहिए था बट रेनफॉल कहाँ? बीच में आ गया। अब धीरे धीरे रेनफॉल किस तरफ जाएगा? लैटिन अमेरिका की तरफ जाएगा। अगर लैटिन अमेरिका में बहुत ही ज्यादा ये जो पेरू कंट्री है पेरू कंट्री के ऊपर बहुत ही ज्यादा रेनफॉल हो गया और ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पे बिल्कुल ही ड्राई और डेसिकेटिंग इम्पैक्ट आ गई, तो इस प्रकार के जो हैपनिंग बनता है उसको ही कहा जाता है एल नीनियो। एल नीनियो जो एल नीनियो है वो भारत में भी ड्राइंग इफेक्ट देता है। भारत में जो मानसून है वो एक्सपेक्टेड से बहुत ही कम रहता है, और इस ये ड्रॉट कंडीशन भी ला सकता है, सिग्निफिकेंटली ड्रॉट कंडीशन ला सकता है। और जो एल नीनियो है वो ये करेगा, तो लानिनिया क्या करेगा? तो लानिनिया जो ये पेरुवियन कोस्ट है वहां पे एक्सट्रीम कोल्ड लाएगा, और हमारा जो ऑस्ट्रेलियन कोस्ट है वहां पे रेनफॉल बहुत ज्यादा लाएगा, और जितनी रेनफॉल यहाँ पे ज्यादा आएगी उतनी ही रेनफॉल इंडिया में ज्यादा आएगी। तो लानिनिया में हमेशा हमें हमारा जो भी मानसून है वो नॉर्मल से बेहतर रहता है, एल नीनो में हमारा मानसून नॉर्मल से खराब रहता है, राइट। तो ये उससे मेजर टेक अवे है। और क्लाइमेट चेंज की वजह से उनका कहना है कि जो एल नीनो और लानिनिया है उसकी पैटर्न के अंदर कुछ चेंजेस होने चाहिए, और वो जो चेंजेस के अंदर के मैकेनिज्म चेंज हो रहे हैं वो अभी राइट नाउ इट्स अंडर स्टडी। सो लेट अस सी कि फर्दर ईयर जो आने वाला 1 डेकेड है 2 डेकेड है उसमें किस हिसाब से ये पूरा सिचुएशन होता है। अब लानिनिया इतना स्ट्रांग होने की वजह से ही ऊटी के रीजन में ये पूरा पूरा जो ग्राउंड है वहां पे बर्फ बर्फ जैसा जम गया, जितनी भी यहाँ पे ड्यूब वगैरह थी वो सारा कन्वर्ट हो गया बर्फ के अंदर, राइट। और काफी सारे साउथ इंडियन स्टेट में बहुत ही चिलिंग विंड्स पाए गए हैं।
आर वी क्लियर? कोई डाउट हो तो प्लीज राइट इट डाउन इन अ कमेंट सेक्शन, फिर जाके हमारे जो छोटे बिट्स हैं, स्नैपशॉट्स हैं, उसको देखते हैं। अब ये है वेल फिश के बारे में कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द वेल फिश ग्रोइंग सो सो जायंट कंपेयर टू इट्स ओन एंसेस्टर्स। तो इट इज सेड दैट देयर एंसेस्टर्स वर नॉट सो लार्ज, दे वर लार्ज बट नॉट सो लार्ज। सो व्हाट आर द रीजन बिहाइंड इट? सो दे हैव आइडेंटिफाइड एटलीस्ट फोर जीन्स, उसके नाम GHSR, IG समथिंग समथिंग, NCA समथिंग समथिंग एंड PL समथिंग समथिंग। दीज फोर्स आर द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स बिहाइंड द लार्ज बॉडी साइजेस। सो फ्रॉम द एंसेस्टर, अब धीरे धीरे जो सक्सेसर जितने भी ऑफस्प्रिंग आ रही है उन सभी में ये चार हमें बहुत ही स्ट्रांगली पाए जाते हैं, एंड दे आर द रीजन कि वो धीरे 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 लार्ज ग्रो होते जा रहे हैं। एंड नियरली दीज जीन्स हैव बीन फाउंड आउट इन 19 स्पीसीज ऑफ वेल। तो शायद ऐसा हो जाए कि आज से 100 साल के बाद जो हमें वेल मिल रही है उससे भी 1.5 गुना 2 गुना जितनी वेल बड़ी हमें मिलनी चालू हो जाए, क्योंकि ये जो जीन है वो धीरे 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 और ज्यादा स्ट्रांग होते जा रहे हैं। फिर एक डिजास्टर मैनेजमेंट रिलेटेड है कि जब भी लाइटनिंग स्ट्राइक होती है, सॉरी, लाइटनिंग जब स्ट्राइक हो जाती है तब हमें उसको बचाने के लिए, हमारे जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं? तो उसको बचाने के लिए फिलहाल हम जो यूज करते हैं उसका नाम है फ्रैंकलिन रॉड। क्या नाम है उसका? फ्रैंकलिन रॉड। फ्रैंकलिन रॉड क्या करता है कि अगर आपकी जो ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग में यहाँ पे अपना फ्रैंकलिन रॉड लगा दिया, तो जब भी लाइटनिंग यहाँ आनी होगी तो वो अपने अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेता है और सीधा ही उसका कनेक्शन होता है अर्थ के साथ। तो वो पूरा पूरा जो करंट है वो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं आता, सीधा जमीन में मिक्सअप हो जाता है। तो ये जो है वो स्टेबल होता है, स्टेशनरी होता है, आपको एक जगह पे लगा देना होता है। बट अगर ऐसा ही कुछ, अगर हम कुछ मोबाइल करें तो, मूवेबल करें तो वैसा ही साइंटिस्ट ने ट्राई किया है कि एक लेजर बीम उन्होंने तैयार करी है। लेजर बीम क्या करेगी कि जहां पे भी लेजर बीम है तो लाइटनिंग स्ट्राइक करेगी ना, तो लेजर बीम उसको अट्रैक्ट कर लेगी और फिर जाके वो जमीन में के अंदर पूरा पूरा लाइटनिंग का करंट छोड़ देगी। अगर हमें ऐसा लेजर बीम वगैरह हमने डेवलप कर लिए प्रॉपरली जो प्रैक्टिकली फंक्शनल हो, तो वो प्रैक्टिकली फंक्शनल होंगे तो हमारे जितने क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि हमारी इलेक्ट्रिकल लाइंस, जैसे कि हमारी हेल्थ इंस्टीट्यूट्स, जैसे कि हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट और रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले जितने भी हैं, वो सारे हम उसको अच्छे से लाइटनिंग के खिलाफ बचा सकते हैं। उसके बाद आज का जो लास्ट करंट अफेयर है, इट इज अबाउट ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन स्पीसीज एक्सटिंक्शन। आपको पता होगा कि दिस एज इज कॉल्ड एंथ्रोपोसीन। अब एंथ्रोपोसीन क्यों कहा गया है? बिकॉज ह्यूमंस आर द बिगेस्ट इम्पैक्ट स्पीसीज ऑन अर्थ राइट नाउ। मतलब ऐसा है कि ह्यूमन की वजह से अर्थ सुधर भी सकती है, ह्यूमन की वजह से अर्थ बिगड़ भी सकती है। तो हमारा इतना ज्यादा पोटेंशियल है, वी आर द मोस्ट डोमिनेंट स्पीसीज राइट नाउ। सो इट इज प्रिटी एविडेंट राइट नाउ, राइट? उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। तो हमारा इंट्रोडक्शन जब मेडागास्कर में हुआ था, मेडागास्कर करके जो आइलैंड है अफ्रीकन कोस्ट पे है, आपको पता होगा कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है और यहाँ पे मेडागास्कर है, राइट? यहाँ पे आ जाएगा मालदीव, यहाँ पे आ जाएगा लंका वगैरह, और ये है हमारा इंडिया। तो इंडिया से मेडागास्कर कहाँ पे है? साउथ वेस्ट है, और जो हमारा साउथ वेस्ट मानसून है वो विंड यहीं से डेवलप होके आता है। तो ये जो मेडागास्कर है वहां पे ऐसे ऐसे रेयर स्पीसीज पाए जाते हैं, जैसे कि रिंग टेल लेमूर हो गए, वर्ल्ड स्मॉलेस्ट कैमिलियन मिल जाते हैं यहाँ पे, और ऐसे काफी स्पीसीज है जो फिलहाल एक्सटिंक्शन का थ्रेट फेस कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द ह्यूमन इंटरफेरेंस। अगर वो एक्सटिंक्ट हो गए तो उसको वापस रिपेयर करने में, बायोडाइवर्सिटी में जो भी लॉस हो रहा है, फूड वेब के अंदर जो लॉस हो रहा है उसको वापस रिपेयर करने में, इट विल टेक थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर इफ वी हैवन डन एनीथिंग राइट नाउ। सो फॉर द नाउ इमीडिएट कंजर्वेशन एफर्ट्स आर वेरी वेरी नेसेसरी टू अवॉइड लॉन्ग लास्टिंग बायोडाइवर्सिटी लॉसेस। सो अगर आज हम उठ गए तो फिर हमें कोई भी प्रकार की चिंता नहीं रहेगी, बट अगर हमने आज कुछ भी लैक कर दिया या तो फिर प्रिपेयर्डनेस प्रॉपरली नहीं दिखाई, तो इस तरह के लेमूर जो है वो तो सिर्फ एक स्पीसीज हो गए, ऐसे हजारों स्पीसीज ऐसे हैं जो हमारी वजह से एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। और एनसीईआरटी में एक नाम दिया गया है डोडो बर्ड। तो
तो डोडो बर्ड जो है वो भी ह्यूमन के डायरेक्ट इंटरवेंशन की वजह से एक्सटिंक्ट हो गए हैं। तो मुझे कोई बताएगा कि ये डोडो बर्ड है वो कौन सा आइलैंड में पाए जाते थे? हेलो गाइस, वेलकम टू टीआईसीएस। आज हम बात करेंगे संडे साइंस एंड टेक्नोलॉजी पेज के बारे में, राइट। तो ये सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। ये सीरीज में आप देख लीजिए, ये हमारा आज का पेज है जो जिसमें एक दो न्यूज के अलावा कुछ और खास नहीं है। तो देन आई ट्राई टू कवर मोर न्यूज एज वेल, उसको भी देख लेते हैं, चलिए। राइट, तो सबसे पहला जो हमारा न्यूज है आज, वो है कि 90 फॉसिल नेट्स बिलोंगिंग टू इंडियाज लार्जेस्ट डायनासोर हैज बीन अनकवर्ड, राइट। तो ये न्यूज में ऐसा कहा गया है कि जो हमारी नर्मदा वैली है, नर्मदा वैली में हमें कुछ ऐसी चीज मिली है कि जो एक टाइटनोसॉर, कौन सा, जो डायनासोर में सबसे बड़ा होता था, उसका नाम है टाइटनोसॉर है, उसके कुछ कुछ डीएनए मिले हैं वहां पे। हमें कितनी साइट मिली है? नियरली 92 नेस्टिंग साइट मिली है, और वी कुड हैव फाउंड आउट मोर देन 256 फॉसिल एग्स इन दैट पर्टिकुलर एरिया। अब ये जो जगह है, वहां पे एक फेमस प्लेस है, उसका नाम है लेमंथा फॉर्मेशन। सो प्लीज रीड अबाउट लेमंथा फॉर्मेशन। वो यूपीएससी के एमसीक्यू के हिसाब से हमारे लिए बहुत ही क्रिटिकल हो जा सकता है। और ये जो लेमंथा फॉर्मेशन है, वही इट इज वेरी वेल नोन फॉर द एग्स एंड सर्टेन स्केलेटन्स ऑफ डायनासोर्स। और वो भी कौन से पीरियड में हमें मिल जाते थे? वो क्रिटेशियस पीरियड वाले डायनासोर मिल जाते थे, जो करीबन 150 मिलियन ईयर से वो पहले होते थे। तो यहाँ पे देखिए, आपके राइट हैंड साइड पे जो हमारी जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, वहां पे आपको देखने मिलेगा पीरियड। ये जो पीरियड है, पीरियड वाला आप चेक करिए, राइट। तो प्री कैम्ब्रियन से स्टार्ट हो जाता है, फिर कैम्ब्रियन आ जाता है, फिर चलते 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 एक कार्बोनिफेरस आता है, जहां पे सारा हमारा आज का जो कोल है वो सारा यहाँ पे फॉर्मेशन होना चालू हुआ। फिर धीरे 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 आगे जाते जाइए, फिर ट्रायासिक आता है, जुरासिक आता है। एवरीबडी नोज दिस एज, जुरासिक, क्योंकि ये एक डायनासोर की एज है जिसके ऊपर से फेमस मूवी भी है। और फिर आता है क्रिटेशियस, राइट। तो इस ये जो एज है, वो एज के आसपास के हमें यहाँ पे फॉसिल मिलते हैं। और ये फॉसिल में कुछ मतलब खास बात के बारे में अगर हम बात करें, तो वो है एग इन एग टाइप का एक फॉर्मेशन, जहां पे ये जो है वो लेयर बाय लेयर या तो फिर सिक्वेंशनल मैनर में अपने एग्स ले करते थे। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट हमें इस पेपर से मिल जाता है। सो आई होप आपको ये चीज पता चली होगी। फिर उसके बाद जो दूसरी हमारी न्यूज है, इट इज अबाउट गोट एंड रिलेशन विद द फार्मास्यूटिकल्स। अब गोट जो है, वो गोट को हमने डोमेस्टिक करना चालू किया, वही बारे में ये चर्चा कर रहे हैं बालासुब्रमण्यम जी। फिर वही कि हंटिंग गैदरिंग से हम एग्रीकल्चर में कैसे आए, वही गोट का जो रोल था वो है। गोट को पुअर मैंस काउ भी कहा जाता है, क्योंकि गोट जो है हम सस्ते, मतलब वो परचेस करने जाए तो सस्ते में परचेस हो जाती है, उसका मिल्क भी बहुत ही सस्ता मिलता है कंपेयर टू काउ एंड बफेलो। सो इट इज कॉल्ड पुअर मैंस काउ एज वेल। और इंडिया में गोट के बारे में बात करें तो ढेर सारी तादाद में हमें अलग 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 स्पीसीज मिल जाते हैं। उसमें से भी जो हिमालयन एंड नीलगिरी थार है, वो थोड़े स्पेशल है। नीलगिरी थार आर एंडेमिक टू नीलगिरी हिल्स। उसमें भी जो शोला फॉरेस्ट है एंड शोला ग्रासलैंड है, तो शोला फॉरेस्ट एंड शोला ग्रासलैंड के साथ ये एंडेमिक है नीलगिरी थार। नीलगिरी थार है, उसको गोट एंटेलोप भी बोला जाता है, राइट। तो वो आपको पता होना चाहिए। उसका जो आईयूसीएन स्टेटस है वो क्या है, क्या कोई मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है कोई? राइट, प्लीज बताइए मुझे कि उसका सेक्शन आईयूसीएन का क्या स्टेटस दिया गया है। अब ये जो इम्पोर्टेंट आज की जो न्यूज है, वो यहाँ से चालू होती है, ये सेक्शन के बाद हमारी चालू होती है। वहां पे ऐसा पाया गया है कि ये जो भी गोट है, उसके अंदर कुछ प्रकार के हमें थेरापोटिक प्रोटीन मिल जाते हैं। और ये प्रोटीन है वो उसके अंदर ही, ये प्रोटीन के अंदर ही हमें क्या मिल जाता है, एंटी थ्रोम्बोफिन। अभी ये थ्रोम्बोफोन फॉर्म का नाम आपने पता होगा, ये एंटी थ्रोम्बोफिन किसके लिए आता है? तो वो जो है ना, ब्लड क्लॉट नहीं होता हमारा। अगर हमें थ्रोम्बोफिन वगैरह लिया तो फिर हमारा ब्लड क्लॉट नहीं होगा, और अगर इसकी डेफिशिएंसी भी हुई तो फिर हमें सर्टेन डिसीज हो सकते हैं, राइट। अब वो डिसीज के अंदर एक नाम है, उसका नाम है पुलमोनरी एम्बोलिज्म। अब पुलमोनरी एम्बोलिज्म के बारे में क्या है क्या नहीं, उसको हमें देखने की जरूरत है नहीं। बट द पॉइंट इज कि ऐसे अगर इस प्रकार के डिसीज हुए, तो आपको दिन में शायद ट्वाइज ऐसे थ्रोम्बोफोम वाले इंजेक्शन लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पे पॉइंट ये आ जाता है कि शायद ये जो रिसर्चर्स है, उन्होंने उसके अंदर से सर्टेन जो FDA अप्रूव्ड एंटी कैंसर के ड्रग है, उसको वहां से उन्होंने निकाल दिया है। अब ये किस में यूज होता है? तो मेजरली लंग कैंसर में यूज होता है। तो जो गोट है, फिलहाल हमारे लिए अगर आप बात करें डोमेस्टिक
एग्रीकल्चर तो वो तो इम्पोर्टेंट है ही है, बट उसके साथ साथ अब हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी इम्पोर्टेंट होने चालू हो गई है. सो डोमेस्टिक गोड्स आर यूज एज अ ड्रग फैक्ट्री राइट नाउ, जिसको हमें एथिकली करना चाहिए. तो यहाँ पे आपका GS 4 का भी एक सेक्शन आ जाता है कि मेडिकल ट्रायल्स. तो मेडिकल ट्रायल्स इनके ऊपर हो रहे हैं, या तो फिर उसके अंदर से हम कुछ एक्सट्रैक्ट करके हमारा मेडिसिन वगैरह बना रहे हैं, तो उसका यूज हो किस हिसाब से होगा, एथिकल होगा, अनएथिकल होगा, लीगल होगा, इलीगल होगा, तो उसके बारे में हमें देखना पड़ेगा. राइट. सो जो फार्मास्यूटिकल्स, जो हमारा स्पेलिंग है, फार्मा से स्टार्ट होता है, बट अगर गोट का इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं तो राइटर ने एक नया नाम दिया है, दैट इज कॉल्ड फार्मास्यूटिकल्स. वो फार्म से उन्होंने नाम दिया फार्मास्यूटिकल्स. राइट. तो आई होप आपको ये चीज भी पता चली होगी. चलिए उसके बाद अब नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं, वो क्या है. तो इट इज अबाउट ओबीसिटी. ओबीसिटी में ऐसा है कि जो लोग ओबीस है और मीडियम एज से ही, जैसे कि आप 30-40 ईयर्स की एज से ही आप ओबीस होना चालू हो गए हैं, तो फिर जाते जाते 60-70 में आपके जो बोन्स है, आपकी जो बॉडी है, वो पूरी एब्सोल्यूटली वीक हो जा सकती है. आप फ्रेल्टी हो सकती है बॉडी के अंदर, और फ्रेल्टी वगैरह होना चालू हो गया तो माइट पॉसिबल कि थोड़ा सा भी कुछ दिक्कत आ रही तो फ्रैक्चर आपको हो जाएगा, गिर गए तो लगना, फिर ब्लड बाहर आना, वो सारी चीजें बहुत ही कॉमन हो जाएगी. सो इनका कहना ऐसा है कि भाई जितना हो उतना ट्रिमिंग कर लीजिए, अपने आप को हेल्दी रखिए, एक्सरसाइज ज्यादा कीजिए, रनिंग वगैरह कीजिए, तो फिर क्या हो जाएगा कि जब आप बड़े होंगे तो फिर एक्स्ट्रा ओबिसिटी है वो आप इसको किल कर सकते हो. क्योंकि एक्स्ट्रा ओबिसिटी की वजह से एज रिलेटेड जितने भी डिसीज होते हैं वो सारे, या तो फिर जो भी हमारे एज रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं वो सारे बहुत ही ज्यादा एग्रीवेट हो जाते हैं, उसको वो इंटेंसिफाई कर देता है. तो हमें ओबिसिटी से बचना चाहिए. और ओबिसिटी इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ माल न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन. आपको पता होगा कि जो हमारा हंगर है, हंगर में एक एब्सोल्यूट हंगर आता है, या तो फिर एक्यूट हंगर हो जाएगी, और दूसरी कौन सी हंगर होती है, हिडन हंगर होती है. तो हिडन हंगर में विटामिंस कम होते हैं, मिनरल्स कम होते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी हमें मटेरियल चाहिए सस्टेन करने के लिए, एक हेल्दी लाइफ के लिए, वो सारे कम होते हैं. और ओबिसिटी में क्या होता है, वो फैट एक हद से ज्यादा होती है, और कहा जाता है ना कि अतीव सर्वत्र वर्जयते. तो यही कंसेप्ट के साथ हमें आगे बढ़ना पड़ेगा. राइट. तो हमें जितना हो उतना एक्सरसाइज वगैरह करेंगे तो फिर हमारे लिए अच्छा होगा. दूसरे करंट अफेयर में ऐसा कहा गया है कि जो लोग दो एक दूसरे के साथ रहते हैं, देर आर पॉसिबिलिटी कि दे कीप ट्रांसफरिंग माइक्रोबीज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. और उसमें भी जो भी बच्चे होते हैं, उसमें जो मदर है वो अपने वूम से ही बच्चों को माइक्रोबीज की कुछ एक स्टार्टिंग किट, स्टार्टर किट दे देती है, सो दैट दे कैन सर्वाइव. मीन वाइल उनके खुद के जो माइक्रोबीज है वो डेवलप ना हो जाए तब तक. अब ये माइक्रोबीज के अंदर ये है कि माइक्रोबीज जो है, इट्स नॉट नेसेसरी कि सभी माइक्रोबीज अच्छे हो सकते हैं. कुछ कुछ ऐसे माइक्रोबीज हो सकते हैं कि जो आपको कैंसर भी कर सकते हैं, डायबिटीज भी कर सकते हैं, इवन ओबिसिटी भी ला सकते हैं. तो इस प्रकार के जो माइक्रोबीज है जिसका डिसफंक्शन होने की वजह से ये हमारे डिसीज होते रहते हैं, तो इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू बेबी. एंड इवन इफ यू आर लिविंग इन सम काइंड ऑफ पीजी, इफ यू आर लिविंग इन सम काइंड ऑफ हॉस्टल, एंड नाउ यू आर लिविंग फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो माइट पॉसिबल कि आपके जो रूममेट है वो भी आपको, इवन दो यू आर नॉट रिलेटेड, ब्लड रिलेशन बिल्कुल नहीं है, स्टिल दे कैन ट्रांसफर माइक्रोबीज. जो हमारे गट एंड हमारे थ्रोट वगैरह माउथ के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो सारे माइक्रोबीज ट्रांसफर हो सकते हैं. अंडरस्टूड. फिर उसके बाद थर्ड है वो एनवायरमेंट रिलेटेड करंट अफेयर है. एनवायरमेंट रिलेटेड करंट अफेयर में कहा गया है कि जो माइग्रेटरी बर्ड्स है, देर आर चांसेस कि माइग्रेटरी बर्ड्स कैन सी अर्थ जियोमैग्नेटिक फील्ड. क्या कहा गया कि देर आर इंक्रीजिंग एविडेंसेस दैट बर्ड कैन एक्चुअली सी जियोमेट्रिक फील्ड्स ऑफ अर्थ, एंड सो दैट दे यूज देयर ओन सेंसेस टू नेविगेट अक्रॉस द ग्लोब. बट वॉट हैपन्स इफ देर इज सम काइंड ऑफ अ डिस्टर्बेंस इन द मैग्नेटिक फील्ड और जियोमैग्नेटिक फील्ड, देर आर चांसेस कि उनका खुद का GPS बिगड़ जाए. तो बर्ड्स का जो GPS है वो किसके ऊपर से चल रहा है, बर्ड का, सॉरी मुझे नाविक बोलना चाहिए, ओके नाविक, जो बर्ड का नाविक है वो किसके ऊपर से चल रहा है, तो वो चल रहा है जियोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से. वो उसको रीड करते रहते हैं और पूरे दुनिया में अपने खुद एक पैटर्न में घूमते रहते हैं. बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि अगर कुछ दिक्कत हो गई, कोई हम उनके पाथ में कोई चिंताजनक कुछ चीजें हो गई, सो दे गो टू सर्टेन टेरिटरी जो उनके लिए बिल्कुल ही एलियन टेरिटरी है, या तो बिल्कुल ही अननोन टेरिटरी है, तो वहां पे चले जाते हैं. और ऐसे ही वो मैग्नेटिक फील्ड से और अपने पाथ से भटक के कहीं और चले जाते हैं. तो इस प्रकार की जो सिचुएशन है उसको नाम दिया गया है वाग्रंसी. क्या नाम दिया गया है? वाग्रंसी और वेग्रंसी
व्हाटएवर यू कैन प्रोनाउंस, इट्स अप टू यू. सो वागदम सी, सो इट इज अ सम काइंड ऑफ इवेंट की डिस्टरबेंस टू द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कैन लीड बर्ड्स टू एस्ट्रे. वो ना कहीं और ले जा सकते हैं, कहीं और भटका सकते हैं. उनको आना है, जैसे कि सेंट्रल एशिया से वो उड़े हैं, सेंट्रल एशिया से आना है उनको राजस्थान के थ्रू, उसको जाना है नल सरोवर. बट अभी सीन ऐसा हो जाएगा कि देर आर सर्टेन मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्बेंस, तो फिर राजस्थान से वो आते 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 चले जाएंगे मध्य प्रदेश, राइट? तो मध्य प्रदेश में भी एक ही जैसा एटमोसफियर है, गुजरात में भी एक ही जैसा एटमोसफियर है. बट स्टिल क्या हो जाएगा कि मध्य प्रदेश का जो टेरिटरी है वो एब्सोल्यूटली उनके लिए कैसी है, फॉरेन टेरिटरी है, या तो फिर दे आर एब्सोल्यूटली नॉट अकस्टम टू दैट काइंड ऑफ अ टेरिटरी. तो फिर वो उनके लिए माइट पॉसिबल कि जो उनकी ब्रीडिंग सीजन है या तो फिर फीडिंग सीजन है, उन सभी में कुछ ना कुछ दिक्कतें करता रहे. उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट न्यूज जो हमें देखने मिलती है वो है INS बागीर के बारे में. इट इज अ फिफ्थ ऑफ द कालवरी क्लास सबमरीन जो हमने प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाई. कौन सा प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट 75. उसके अंदर हम क्या बना रहे हैं? तो स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन बना रहे हैं. क्या बना रहे हैं हम? स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स. अब ये जो सबमरीन है, दिस इज नॉट दिस ऑर्डिनरी सबमरीन, ये एंटी सबमरीन की तरह भी यूज होता है, उसके अंदर टॉर्पीडो वगैरह भी होता है. ये एंटी वॉर में वॉरशिप की तरह भी यूज होता है, जो कोई ऊपर अगर वॉरशिप घूम रही है तो उसको भी ये तोड़ने के लिए अपने आप में पोटेंट है. तो ये जो है वो अभी हमने हमारी नेवी के अंदर कमीशन कर दिया है, राइट? तो नेवी हैज जस्ट गॉट दी फिफ्थ कलवारी क्लास सबमरीन. अब वो है, वो कौन सी है? स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन भी उसको कहा जाता है. एंड दे आर अंडर प्रोजेक्ट 75. ये किसने बनाया है? तो ये बनाया है मजगॉन या मजगान, आपको जो भी बोलना हो, माजागॉन भी आप बोल सकते हो, माजागॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने ये बनाया है विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच नेवल डिफेंस कंपनी. अब ये जो है वो दोनों साथ मिलकर बना रहे हैं. तो ये जो पूरा पूरा प्रोग्राम जो हमारा है वो प्रोग्राम है एब्सोल्यूटली मेड इन इंडिया. जस्ट उनकी डिजाइन जो है वही हम सिर्फ फ्रेंच की मदद से कर रहे हैं. और इसका जो वागीर का नाम है, वो नाम किसके ऊपर से डिराइव्ड है? वो सैंड शार्क के ऊपर से डिराइव्ड है, जो एक डीप वाटर प्रेडेटर है, जो गहराई में शिकार करता है अपने, और वो बहुत ही लीथल होती है. तो वो लीथल के हिसाब से उसको ही सीधा ही रेप्लिकेट करेगी जो हमारी INS बागिर है. वो भी नीचे जाएगी और नीचे से ही लीथल अटैक करेगी. तो इंडिया का जो इंडियन ओशन के अंदर जो हमारा सिक्योरिटी का रीजन है, सिक्योरिटी के अंदर जो चाइना एवरी डे कोई ना कोई थ्रेट पहुंचाते रहते हैं, वो चाइना के खिलाफ हम बहुत ही ज्यादा अच्छा सा हमारा खुद का डिफेंस का शो कर सकते हैं, राइट? एक डिफेंस कैपेबिलिटी को हम एग्जिबिट कर सकते हैं कि देखिए चाइना हमारे पास भी इतने अच्छे अच्छे हैं. तो चाइना भी अभी सावधान हो जाएगा कि भाई इंडिया के पास तो 5 सबमरीन आ गई है, और फिर छठी सबमरीन कब आएगी? तो ये लोग बोल रहे हैं कि छठी सबमरीन आएगी बाय 2024. तो उसमें तो छठी सबमरीन हम लॉन्च भी कर देंगे. तो चलिए देखते हैं कि सबमरीन कौन सी प्रोजेक्ट 75 में अभी तक हुई है. तो सबसे पहली 2017 में जो कमीशन हुई थी उसका नाम है कलवारी, तभी जाके उसको कलवारी क्लास सबमरीन भी बोला जाता है. फिर 2019 में जो हुई थी उसका नाम है खानदेरी. क्या नाम है? खानदेरी. फिर 2021 में हुई, 2021 में एक्चुअली दो हुई, तो पहली का नाम है करंज और दूसरी का नाम है वेला. फिर 2022 में अभी रिसेंटली जो हुई थी उसका नाम है वागीर, राइट? जो अभी 22 में हुई उसका नाम क्या है? वागीर. और एक जो रह जा रही है वो 2024 में होगी. सो कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज इट्स नेम? अब मुझे उसका नाम बताइए, अच्छा लगेगा, कमेंट सेक्शन में डालिए, राइट? तो ये था हमारा डिफेंस के रिलेटेड. अब डिफेंस से हम चलते हैं स्पेस की तरफ. स्पेस में एक न्यूज है कि नासा फिलहाल एक न्यूक्लियर पावर्ड रॉकेट बना रहा है. क्या बना रहा है? न्यूक्लियर पावर्ड रॉकेट बना रहा है जिसका एम ऐसा है कि वी विल सेंड एस्ट्रोनॉट्स टू द मार्स इन जस्ट 45 डेज. और अभी फिलहाल उसके कितने टाइम चल रहा है? अभी फिलहाल हमें 7 महीने चल रहे हैं, बट 7 महीने को कम करके वी विल ट्राई कि हम 45 डेज में उनको ले जाए. और उसके लिए हमें क्या चाहिए? न्यूक्लियर पावर चाहिए. फिलहाल जो भी हम फ्यूल यूज करें उसकी उतनी ज्यादा कैपेसिटी नहीं है. तो फिर उसको टाइम कितना लगता है? 7 मंथ लग जाते हैं टू रीच दी मार्स. अब इलॉन मस्क ने ये सारा मसला खड़ा किया है. अब उसको ऐसा ही है कि मार्स पे चले जाना है, ये पृथ्वी खराब है, वहां पे जाए कि हम नई सिविलाइजेशन डालेंगे, नया कुछ कॉलोनाइजेशन करेंगे, कुछ भी करेंगे. तो मार्स में जाने की ये होड़ लगा रखी है. तो ये नासा बना रहा है, और नासा ने ऐसा कहा है कि ये जो हमारा इंजिन है इट कैन वर्क एज सुन एज 2027. 2027 तक हम उसको प्रॉपरली प्रिपेयर कर देंगे, और फिर जाके वी विल ट्राई कि हमारे जितने भी ये एस्ट्रोनॉट्स है वो सारे 45 डेज में मार्स पे पहुंच जाए और मार्स की लैंडिंग बहुत ही ईजी हो जाए. तो क्या वहां पे लाइफ पॉसिबल है? क्या वहां पे वाटर के सारे मॉलिक्यूल्स है?
क्या वहां पे कुछ ऐसा एटमॉस्फेयर है जो एक्चुअली हमें यहाँ से थियोरेटिकली ऐसा लग रहा है कि वो हमारे लिए सुटेबल हो, बट क्या वो एक्चुअली है कि नहीं है? तो प्रैक्टिकल टर्म्स जो भी है वो हमें वहां पे जाके ही पता चलने वाले हैं। और ये जो पूरा रॉकेट है वो किसके ऊपर चलेगा? वो न्यूक्लियर पावर्ड होगा, तो न्यूक्लियर में वो रिएक्शन करेगा, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। कौन सी करेगा? फिशन रिएक्शन, जिसमें क्या होता है कि एक जो हाइड्रोजन का, सॉरी, एक जो हीलियम का एटम होता है उसको तोड़ के हम दो हाइड्रोजन बनाते हैं। तो जब भी हम उसको तोड़ते हैं तो उसके अंदर से ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर आती है, और वो जो एनर्जी है वो 3 to 4 times इट इज मोर सफिशियंट देन दी करंट वॉट एवर वी आर यूजिंग राइट नाउ। ठीक है, सो ये हमारा आज का साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पेज था। सो थैंक यू वेरी मच। सो दैट्स इट फ्रॉम आवर साइड। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आप पसंद आया है तो प्लीज उसको शेयर कीजिए, जितना वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड होगा उतना हमारे लिए अच्छा होगा। वी विल कीप मेकिंग सच वीडियोस, वी विल कीप कमिंग विद सर्टेन कंटेंट्स जो आपके यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो, यूपीएससी मेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो, और जो भी ये सारे डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स है उसका प्रॉपरली आपको थरली कवरेज मिले। राइट, अभी तक जो भी हम समराइज कर रहे हैं उससे आपके काफी एमसीक्यूज निकल सकते हैं। राइट, सो थैंक यू वेरी मच गाइज, एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।